मे बी की सिचुएशन थोड़ी सही हो जाए और फिर हम स्टूडियो से आराम से बैठ के पढ़ सकें। फिर उसमें ये है कि पावर पॉइंट की भी हेल्प ली जा सकती है ना, काफी सारे क्रॉसेस वगैरह हैं तो आराम से वो यस सर, कलर से ड्रॉ करके आपको दिए जा सकते हैं। इकोलॉजी तो बस हमें थोड़ा सा समझना है और याद करना है, तो फॉर ए टाइम मैंने यही सोचा था कि इकोलॉजी से स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। वेटेज दोनों का बराबर है ना। स्क्रीन साइज रिड्यूस्ड मेरे लिए लिखा है। यस सर, ये पेपर तो बहुत कम ही आ रहा है, कम दिख रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है। यस कम दिख रहा है सर, पेपर थोड़ा सा आप ऊपर शिफ्ट कर लीजिए। वो कर लूंगा, मैं उतने मार्जिन पे रखूंगा जितना मार्जिन मुझे कैमरे में दिखाई दे रहा है। तो इकोलॉजी और जेनेटिक्स का वेटेज उतना ही है, इसलिए मुझे ये था कि इकोलॉजी हम स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि इकोलॉजी थोड़ा सा इजी भी है और फिलहाल तो आसानी से कवर भी हो जाएगा। चलिए सर हाँ बोलो। सर टेस्ट के कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, चार क्वेश्चन हाँ हाँ पूछो। हैं सर। ये एक क्वेश्चन है कि इफ टेस्टा इज रिमूव फ्रॉम वाटर सोक्ड ग्राम सीड, द रिमेनिंग स्ट्रक्चर इज। सर इसके ऑप्शन है तो अगर आप फुली उसमें से सब कुछ निकाल दोगे भाई। हाँ बोलो। सर, सर इसका एक ऑप्शन है फुली मैच्योर एम्ब्रियो, ऑप्शन और यही आंसर है इसका। फुली मैच्योर एम्ब्रियो को बोलो। एक एम्ब्रियो में एपिकोटाइल मेसोकोटाइल आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। तो कोट होता है और होता है। फिर एम्ब्रियो में एक एम्ब्रियो का एक्सिस होता है जिसमें एपिकोटाइल मेसोकोटाइल हाइपोकोटाइल बनाते हैं हम, और दो कॉटिलेडन एक कॉटिलेडन होता है एक होता है, और एंडोस्पर्म की प्रेजेंस हो सकती है नहीं हो सकती है, ऑप्शनल है। फिर तो कोटिलेडन क्यों इस नहीं होगा तरीके ही रहता इसमें? है। अगर आप इस कोटिल पे कॉटिलेडन तो इंक्लूडेड है ना, सर, एक जैसे एक सीड लोगे आप, कोई जैसे ग्राम सीड का क्वेश्चन था तो यस ग्राम सर, सीड में एक तो सीड जो ब्राउन कलर लाएगा वो है ना, फिर जो पूरा होता एम्ब्रियो मतलब है एपिको मीजो और सर हाइपी है, ये तीनों चीजें, इन तीनों से बनता है एम्ब्रियो का एक्सिस, और उसके अलावा कॉटिलेगन एक या दो डाइकॉट में दो है मोनोकॉट। सर बोलो। सर बहुत हाँ ब्रेक हो रही है सर आपकी वॉइस। यस सिग्नल कनेक्टिविटी तो ठीक है, क्या पता नहीं क्यों सर बीच बीच गूंज में रही हो अटक अटक सकती के है, आ रही मुझे है। गूंज होता है, वो है भी खराब हो सकता है या फिर इको हो सकता है, क्योंकि सर रूम थोड़ा छोटा है शायद इसलिए। मैं धीरे धीरे बोलता हूँ तो क्लियर होगा आपका आवाज। नहीं सर, वो कुछ वर्ड्स बीच में छूट भी जा रहे हैं, मतलब और अटक कोई अटक के ही क्वेश्चन? आ रही है अजीब सी। अच्छा ऐसा तो नहीं होना चाहिए, एक मिनट देखता हूँ। सर अभी ठीक है? इसे अभी तो सर एक और क्वेश्चन है सर, एपोमेक्टिक एम्ब्रायो हाँ इन हाँ बोल। सिट्रस अराइज फ्रॉम सर। इसमें दो ऑप्शन में कंफ्यूजन लग रहा था, एक तो डिप्लोइड एग और मैटरनल स्पोरोफिटिक टिश्यू ऑफ ओव्यूल। तो हम सर एपोमेक्टिक एम्ब्रियो की बात करेंगे, मींस एपोमेक्टिक की बात करेंगे। एपो में जो न्यूसेल एम्ब्रियो या जो एडवेंटिव एम्ब्रियो नहीं पढ़ते हैं, जहाँ पे आप एम्ब्रियो सैक के बाहर जो टिश्यू है स्पोरोफिटिक, वहीं से एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बनते हैं। एग बनाने के लिए आपको एक लेवल और पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर एम्ब्रियो सैक डिप्लॉयड आप बनाओगे तभी तो डिप्लॉयड एग सर, से पार्थेनोजेनेसिस करके बस आप एक एम्ब्रियो बना सकते हैं, सर अगर उसके लिए अलग डिप्लोइड टर्म्स यूज होते हैं। सर अगर बोलिए। डिप्लोइड एग बन गया उसके बाद से नहीं बन सकता ये? नहीं डिप्लॉयड एग बने तो फिर उसके आगे एक चीज ये भी तो जोड़नी पड़ेगी कि एग पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप करके एम्ब्रियो बना, एग को सर आपने फर्टिलाइज
चाहिए और एक एग चाहिए। एग तो डिप्लॉइड है और मेल गैमिट हैप्लॉइड होगा, तभी तो जायगोट या एम्ब्रियो बनाओगे आप, और फिर वो ट्रिप्लॉइड हो जाएगा। तो डिप्लॉइड अगर आपको एग चाहिए तो वो एक एबनॉर्मेलिटी है, और फिर एक एबनॉर्मेलिटी ये भी करनी पड़ेगी कि हम पार्थेनोजेनेसिस करें, तो डिप्लॉइड एग डायरेक्टली जायगोट में चेंज हो जाएगा। तो दो एबनॉर्मेलिटी एक साथ करनी पड़ेंगी, तो इसलिए रहता है कि इधर या एडवेंटिव एम्ब्रियोनी से जो एम्ब्रियोनी वो राइट आंसर में आ जाए। और सर एक क्वेश्चन के ऑप्शन थे कुछ, वो समझ में नहीं आ रहे थे सर। स्यूडो पॉलिनेशन, स्यूडो कॉपुलेशन, ये कैसे होता है? सीडो पॉलिनेशन तो कुछ है ऐसा नहीं। सीडो कॉपुलेशन वर्ड आपको याद हो तो जब आपको मैंने प्लांट पॉलिनेटर्स पढ़ाए थे एंड चैप्टर में जब इंसेक्ट पॉलिनेशन पढ़ाया था तो उसमें लिखाया था कि कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके प्लांट्स यानी जो प्लांट और उनका जो रिस्पेक्टिव पॉलिनेटर है वो फिक्स होता है। जिसमें आपने फाइकस का फीमेल वेस्ट के साथ एसोसिएशन था, एक ऑर्किड था उसका मेल कॉल्पा इंसेक्ट्स के साथ था, एक था यस सर, प्रोनोबा मॉथ के साथ था, ये एग्जाम्पल लिखाई थी। तो उसमें जो मेल कॉल्पा वाला एग्जाम्पल है वो फायरस जो एक ऑर्किड है और मेल कॉल्पा जो इंसेक्ट है वो स्यूडो कॉपुलेशन करता है। उसमें जो फ्लावर का रिजेम्बलेंस है ना वो फीमेल के जैसा है, तो मेल तो ये समझता है कि वो फीमेल के साथ कॉपुलेट कर रहा है बट एक्चुअली वो एक फ्लावर को पॉलिनेट कर रहा होता है, तो उसको स्यूडो कॉपुलेशन बोलते हैं। स्यूडो एक्ट ट्रांसफर स्यूडो कॉपुलेशन एक्नोलॉजी जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के लास्ट में स्यूडो कॉपुलेशन भी दिया होगा, तो उसका आंसर स्यूडो कॉपुलेशन ही होगा। ओके सर। सर बीच बीच में आपकी वॉइस ब्रेक हो जाती है फिर से। अभी भी रही है। यस यस सर, सर, यस सर, वॉइस ब्रेक हो रही है। सर मुझे तो क्लियर आ रही है आपकी। स्क्रीन भी ब्लर रहा है यस सर, स्क्रीन पे सर, तो कुछ भी नहीं दिख रहा। ऐसा कैसे है? अभी मैं स्क्रीन पे अगर इकोलॉजी लिखता हूँ, देखिए इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, देख सर वर्ड्स भी नहीं दिखाई दे वर्ड्स रहे सर। दिखाई भी नहीं दे रहे, काफी ज्यादा ब्लर है। एक मिनट मैंने अभी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट लिखा है, वैसे तो आप मुझे जस्ट एक दो मिनट दो, मैं एडजस्ट कर। सर न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है। यस इस फोन से दिखाई दे रहा है सर ब्लर है सर, वो मैं एडजस्ट करता हूँ। अब तो आवाज भी गूंज रही है। अभी देखो अभी सब ठीक हो जाएगा। अब देखिए स्क्रीन क्लियर दिख रही है कुछ? पहले से तो ज्यादा है पर अभी भी ब्लर है। ओके
थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा बट आई थिंक हो जाएगा। ओके स्टार्ट करें इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। आपके पिछले चैप्टर के नोट्स भी मैंने नहीं भेजे हैं, वो तो एक्चुअली जब डेली पहुंचूंगा तभी भेज पाऊंगा, ये वाले भेज दूंगा मैं आपको, तो आप एक बार टैली भी कर लीजिएगा। ठीक है सो और वैसे भी साथ के साथ ही लिख लेते हैं हम, कुछ रह हाँ जाता है हाँ तो देख लिख लो, लेते हैं। वो तो मैं जिस दिन क्लास ले रहा था उसी दिन फिर इमरजेंसी हो गई तो मैं नाइट में आउट ऑफ स्टेशन ही हो गया, स्कैन करके भेजने का टाइम ही नहीं। एनी हाउ इकोलॉजी और एनवायरनमेंट ये दो टर्म्स हैं जिनको लेके ये पूरी यूनिट दी हुई है, फोर चैप्टर्स हैं इसमें। स्टार्टिंग के जो टू चैप्टर्स हैं एक उसमें ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन और इकोसिस्टम है ना, और लास्ट में दो चैप्टर्स हैं उनमें बायोडायवर्सिटी और उसके बाद इन्वायरमेंटल इश्यूज। तो चार चैप्टर बेसिकली दिए हुए हैं। पहले इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट की बात करते हैं। इकोलॉजी का मतलब होता है कि किसी के घर की स्टडी है ना, एक वर्ड है ओइकॉस है ना, OIKOS, और लॉगॉस यूजुअली सब जानते हैं, लॉगॉस का मतलब होता है स्टडी है ना, और OIKOS ओइकॉस वर्ड पैदा दिया है ना। ओइकॉस का मतलब होता है एक प्लेस टू लिव, जहां कोई रह सकता है वो जगह है ना, तो वो ओइकॉस टर्म से मिलके बनेगा है ना। इसको अगर हम कहें कि इकोलॉजी के हिसाब से जो प्रॉपर टर्म है तो इसको आप हैबिटेट बोलते हो है ना, आपने कभी 10th में पढ़ा होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक नेचुरल हैबिटेट होती है जहां पे वो रहता है, तो ऑयकॉस वर्ड हैबिटेट को रिप्रेजेंट करता है। और जहां तक लॉगॉस की बात है, लॉगॉस का मतलब होता है टू स्टडी, लॉगोस की स्पेलिंग क्या है? LOGOS, LOGOS, लॉगॉस टू स्टडी, सर आप प्लेस टू के बाद क्या लिखा है? टू लिव, ए प्लेस टू लिव। और उसके बाद उसके बाद हैबिटेट, सर बिल्कुल भी क्लियर नहीं है सर ये अभी भी। नहीं क्लियर हो रहा है, और क्या कर सकते हैं क्लास में, तो सर एक वर्ड भी नहीं सर दिख रहा है। काफी ब्लर है एक मिनट दो मैं जरा इसको कुछ सेटिंग सर, फिक्स कर सिर्फ लेता हूँ, वाई दिख रहा है, ऊपर इकोलॉजी का वाई और नीचे स्टडी का वाई। एक मिनट दो मैं चेंज कर लेता हूँ। पहले फोन से जैसे ले रहा था उससे कुछ नहीं दिख रहा था, लो सर उससे बेटर तो इसी में है सर, उससे तो वॉइस काफी ज्यादा बेटर है। सिग्नल स्ट्रेंथ एक बार देख लेता हूँ से कुछ आइडिया लग जाए तो। अभी कुछ क्लियर है? सर अभी तो वैसा ही है। वैसे दिख रहा है।
चलो थोड़ा सा पढ़ते हैं और फिर देखते हैं क्या क्या बीच बीच में कुछ ना कुछ करके देखेंगे। सर आप रात में तो भेज ही दोगे सर, तो आप पढ़ाई नहीं। मैं भेज दूंगा इसको, और अगर आप लोग एक्सेस कर सकते हैं तो जो केल्विन का मॉड्यूल है उससे भी एक बार को देख सकते हैं, क्योंकि इकोलॉजी में अगर आप वो अपने पास वो भी रख लेंगे तो और आसान हो जाएगा, लिखने का काम बच जाएगा, मैं समझा के भी जल्दी कर लूंगा सब तरीके। सो ये ऑयकॉस और लॉगॉस इन दोनों मिल से मिलकर बना है। ऑयकॉस का मतलब हो गया ए प्लेस टू लिव, कोई भी ऑर्गेनिज्म जहां पे रहता है वो, और लॉगॉस का मतलब है स्टडी, मतलब एक ऑर्गेनिज्म अगर किसी नेचुरल एरिया में रह रहा है, लाइक कोई ग्रासलैंड में है, कोई फॉरेस्ट में है, तो बस आप फॉरेस्ट में रहते हुए उस ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी करेंगे वो उसकी इकोलॉजी कहलाएगी। या लायन एक फॉरेस्ट में है तो एक लायन का फॉरेस्ट के रिस्पेक्ट में जो स्टडी होगा वो लायन की इकोलॉजी बन जाएगी। इस तरीके से इकोलॉजी को समझते हैं। इसी तरीके से जो एनवायरमेंट वर्ड है, एनवायरॉन सिर्फ वर्ड होता है ना, एनवायरॉन, और एनवायरॉन का मतलब होता है टू एनसर्किल, घेरा, सराउंडिंग, है ना। एनवायरमेंट को हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग, कि जो हमारे चारों तरफ घेरा है, जो हमें सराउंड करता है वो हमारा एनवायरमेंट कहलाता है। तो एनवायरॉन वर्ड से बना है एनवायरमेंट, एवरीथिंग दैट सराउंड अस, जो हमें चारों तरफ से घेरेगा वो हमारा एनवायरमेंट हो गया। जो किसी फॉरेस्ट में किसी लाइन के चारों तरफ एयर, वाटर, सॉइल, ये सारे फैक्टर्स हैं, तो वो लाइन का एनवायरमेंट हो गया। इस तरीके से इकोलॉजी और एनवायरमेंट, ये आपको इस पूरी यूनिट में पढ़ना है। अब जब आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो उसमें इकोलॉजी जहां से स्टार्ट हुआ है वहां पे प्रोफेसर रामदेव मिश्रा के बारे में एक पैराग्राफ दिया हुआ है, प्रोफेसर आर मिश्रा, जैसे हर यूनिट स्टार्ट होती है तो उसमें एक साइंटिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में दिया होता है, तो इकोलॉजी में प्रोफेसर आर मिश्रा के बारे में दिया। ही इज फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, है ना। इंडिया में जितनी भी इकोलॉजी को एस्टेब्लिशमेंट करने का क्रेडिट दिया है वो आर मिश्रा को दिया। बीएचयू के साइंटिस्ट हैं तो आप उनके बारे में भी पढ़ सकते हैं, हालांकि इसमें ये चीज तो इम्पोर्टेंट है ही कि आर मिश्रा फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहलाते हैं, तो ये चीज याद रखिएगा, प्रोफेसर आर मिश्रा फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। एनवायरॉन के आगे लिखा है टू एन सर्किल, मतलब घेरना, ई एन सी आई आर सी एल ई, एन सर्किल। सो प्रोफेसर आर मिश्रा को हम फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहते हैं, है ना, तो एक ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब बात आती है कि इकोलॉजी को पढ़ेंगे कैसे। ये तो हो गई कि भाई इकोलॉजी के डेफिनेशन और इकोलॉजी के बारे में जो टर्म्स से हम समझते हैं वो चीजें हो गई। अब इकोलॉजी को पढ़ने के लिए कुछ लेवल्स बनाए गए, जैसे आपको याद हो तो आपने 11th में टैक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ा होगा। टैक्सोनॉमिक हायरार्की का मतलब है जहां पे आपने अलग अलग कैटेगरीज बनाई हुई है, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये आपकी 7 कैटेगरी दी हुई है अंडर द टॉपिक टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो जिस तरीके से टैक्सोनॉमी को पढ़ने के लिए लेवल बनाए गए, उसी तरीके से इकोलॉजी को पढ़ने के लिए भी कुछ लेवल बना लिए हैं। उनको बोल दिया गया इकोलॉजिकल हायरार्की, जैसे हायरार्की का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, एक स्टेप वाइज अरेंजमेंट जिससे हम आसानी से पढ़ सके। जैसे आप एक प्रैक्टिकल तरीके से अगर बात करें तो जो लोग अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, पूरी अर्थ को एक साथ लेके, जैसे ज्योग्राफी होती है या आजकल अर्थ साइंस सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो गया, इट्स अ काइंड ऑफ प्लैनेटरी साइंस, अर्थ साइंस, है ना, जैसे एनवायरमेंटल साइंस होती है, इस तरीके से। तो जो अर्थ के बारे में पढ़ते हैं वो डेफिनेटली दिल्ली के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हालांकि अर्थ में ही दिल्ली आएगा, बट फिर भी अर्थ को एज ए होल लेंगे तो इतना बड़ा अर्थ है कि एक छोटी सी जगह को पकड़ के नहीं रखा जा सकता। और मान लीजिए कोई इंडिया या दिल्ली के बारे में स्टडी कर रहा है तो वो पूरी अर्थ के बारे में नहीं पढ़ सकता, सबके अपने अपने लेवल होते हैं। तो इसी तरीके से इकोलॉजी को पढ़ने के लिए भी लोगों ने अलग अलग लेवल बना लिए, उनको बोल दिया गया इकोलॉजिकल हायरार्की, है ना, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए, है ना। सर फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है फिर?
आर मिश्रा, आर रामादेव मिश्रा, वो तो इंडिया से ना, मतलब कॉलेज ओवरऑल। जो स्टार्ट हुई है वहीं पे इनके बारे में दिया हुआ है, प्रोफेसर आर मिश्रा। सर मतलब ये तो इंडियन इकोलॉजी के फादर है ना। हाँ, ये इंडियन इकोलॉजी के हैं। अक्रॉस द वर्ल्ड यूजीन पी ओडम है, उनकी कभी जरूरत नहीं पड़ी, दिया भी नहीं है एनसीईआरटी में, इसलिए बताया भी नहीं। ओके सर। बस ये चीज हो जाती है कि जो चीजें हमारे सिलेबस से बाहर हो जाती हैं उनकी सर आपका जरूरत शायद, कम। अच्छा हाँ, वो मैंने किया थोड़ा सा, मुझे लगा कि सर वही कह रहा था कि अपना कैमरा ऑफ होगा। हाँ वो एडजस्टमेंट करने की कोशिश थी। सो इकोलॉजी को पढ़ने के लिए हमारे पास अलग अलग लेवल हैं, जिससे सबसे छोटा लेवल होता है ऑर्गेनिज्म। मैं पहले नाम लिख दे रहा हूँ, नीचे से इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज मैं लोअर मोस्ट से अपर मोस्ट की तरफ जा रहा हूँ, तो मैंने ऑर्गेनिज्म लिखा हुआ है। उसके ऊपर आता है पॉपुलेशन, जो आपके चैप्टर का नाम है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। फिर आता है कम्युनिटी, देन वी हैव इकोसिस्टम, फिर आता है लैंडस्केप, फिर इसके ऊपर आएगा बायोम, और सबसे ऊपर आता है बायोस्फीयर। सर क्या लैंडस्केप लिखा है? हाँ, लैंडस्केप जैसे सीनरी ड्रॉ करते हैं ड्राइंग में, उस तरीके से। तो ये सेवन है, सबसे छोटे से सबसे बड़े तक, तो आप समझ भी लेंगे तो भी चलेगा। मैं डेफिनेटली आपको इसके नोट्स प्रॉपर तरीके से भेज दूंगा, है ना। वो सर बाद में फिर हमारा डिले करते करते हो जाता है ना। वो देखो, जो ये इमरजेंसी है वो तो डेफिनेटली है ही, बट अभी जो मैं लिख रहा हूँ वो डेफिनेटली आप तक पहुंच जाएगा। ओके सर, कोई बात नहीं। तो अलग अलग लेवल है। अब जैसे क्या है कि कोई भी सिंगल ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म बोलते हैं तो ऑर्गेनिज्म का मतलब है एनी लिविंग मेंबर, जिन जिसके बेस पे, जैसे आपने लिविंग वर्ड में पढ़ा था कि वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग, लाइक ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, कॉन्शियसनेस है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। आपने पढ़ा कि हम लिविंग को कैसे डिफाइन करते हैं, तो लिविंग को डिफाइन कर लेंगे तो कोई भी लिविंग मेंबर क्या कहलाएगा, इकोलॉजी के हिसाब से उसको बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब है एनी लिविंग मेंबर, कोई भी इकलौता लिविंग पर्सन, जैसे मैं हूं या आप हैं या प्लांट है, कोई कोई बैक्टीरिया है, कोई फंगी है, लाइक दिस। तो सबसे छोटा लेवल तो यही हो सकता है, क्योंकि अगर आपने ऑर्गेनिज्म को भी तोड़ दिया, अगर आपने ऑर्गेनिज्म को भी डाइसेक्ट कर दिया, तो फिर आपको एज पर जूलॉजी, जैसे आपने पढ़ा होगा, कि फिर तो आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल मिलेंगे, फिर उसमें ऑर्गन्स मिलेंगे, फिर उसमें टिश्यू मिलेगा, फिर उसमें सेल मिलेगा, लाइक दिस। तो वो तो एनाटॉमी का पार्ट हो जाता है। एक लिविंग मेंबर जहां से स्टार्ट होता है, वहां से इकोलॉजी यहाँ पढ़ सकते हैं। तो सबसे सिंपल लेवल हो गया ऑर्गेनिज्म, आपके चैप्टर का नाम भी है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इन्हीं ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप होगा, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म। अब सिमिलर का मतलब यहाँ पे है बिलोंग्स टू वन स्पीशीज, जैसे ह्यूमन का ग्रुप बना लीजिए तो ह्यूमन पॉपुलेशन हो जाता है ना। लायन का आपने पॉपुलेशन है, टाइगर का सेंसस होता है, टाइगर का पॉपुलेशन होता है, किसी फॉरेस्ट में जाएंगे तो ट्री की पॉपुलेशन होती है। तो सेम ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप बनता है उसको आप पॉपुलेशन कहते हैं। पॉपुलेशन का मतलब है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना। अब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है और एक ही स्पीशीज का, यूजुअली यही होता है जब हम बोलते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन, तो उसका मतलब आप समझते ही हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन का मतलब है कि ह्यूमन का ग्रुप। ऐसा तो है नहीं कि ह्यूमन पॉपुलेशन में टाइगर और लायन भी आप ऐड कर लोगे। ह्यूमन है तो ह्यूमन रहेगा, टाइगर है तो टायर, लायन है तो लायन, इस तरीके से। तो सिमिलर ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप होगा हम उसी को इन जनरल पॉपुलेशन बोलते हैं। अगर डिफरेंट स्पीशीज आ जाए, अलग अलग स्पीशीज की पॉपुलेशन हो, जैसे मान लीजिए आप एक पार्क में हैं, तो पार्क में कुछ ह्यूमन भी होंगे तो वो ह्यूमन पॉपुलेशन हो गई, पार्क में कुछ ट्री भी होंगे, पार्क में ग्रासेस की पॉपुलेशन अलग होगी, पार्क में इंसेक्ट्स भी होंगे उनकी पॉपुलेशन अलग है, और लेकिन आप सबको एक साथ ही लेके आ रहे हैं, डिफरेंट पॉपुलेशन को एक ही जगह रख के आप कोई बात कह रहे हैं, तो बनता है कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब होता है पॉपुलेशन ऑफ मिक्स्ड स्पीशीज। अगर मिक्स कर जाएंगी स्पीशीज तो क्या बन जाएगा, कम्युनिटी बन जाएगा। सो दिस इज पॉपुलेशन ऑफ मिक्स्ड स्पीशीज। अब जैसे पहला चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, तो उसमें आपको सिर्फ ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना है।
कम्युनिटी के बारे में आपके चैप्टर में दिया है, लेकिन थोड़ा सा दिया है, ज्यादा डिटेल हमें कम्युनिटी की नहीं पढ़नी। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन तो फर्स्ट चैप्टर है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर सेकंड चैप्टर आपका इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम क्या होता है? जब आप किसी कम्युनिटी के साथ उसका एबायोटिक एनवायरनमेंट जोड़ देते हैं। एबायोटिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि जैसे अगेन बैक टू द आप पार्क में गए तो पार्क में कितनी रेनफॉल है, लाइक आप ग्रासलैंड चले गए या फॉरेस्ट में चले गए तो फॉरेस्ट में साल भर में कितनी बारिश हुई, कितना यहाँ पे लाइट आई, कितनी यहाँ पे विंड वेलोसिटी थी, कितना यहाँ पे जो है वो टेम्परेचर रहा। तो जितने भी ये एबायोटिक फैक्टर्स हैं, क्योंकि एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से ही हम सर्वाइव कर पाते हैं। टेम्परेचर में कोई लाइफ नहीं है, बट अगर टेम्परेचर सुटेबल नहीं होगा तो अर्थ पे ऑर्गेनिज्म रह नहीं सकता, है ना। वाटर में कोई लाइफ नहीं होती, लेकिन अगर पौधों को पानी नहीं दोगे तो पौधे मर जाएंगे। तो लिविंग होने के लिए नॉन लिविंग चीजों की भी जरूरत पड़ती है। तो जब आप लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को एक साथ पढ़ोगे तो बन जाएगा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है कि जहां पे लिविंग है यानी कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी के साथ इसकी सराउंडिंग में जो एयर, वाटर, टेम्परेचर, सॉइल, ह्यूमिडिटी, है ना, ये सारी चीजें, न्यूट्रिएंट्स, ये सब चीजें जब इसके साथ जोड़ दोगे आप, तब जब आप स्टडी करोगे तो क्या बन जाता है, इकोसिस्टम बन जाता है। तो इकोसिस्टम आपका सेकंड चैप्टर है, जहां पे आप कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ोगे, कम्युनिटी के साथ साथ उसका एबायोटिक एनवायरनमेंट यहाँ पे जोड़ दोगे, है ना। यहाँ तक तो केवल हमने लिविंग की बात की थी। इन तीन में लिविंग का मतलब क्या हुआ, बायोटिक। और ये तीनों जो लेवल है, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, ये कैसे हैं, बायोटिक लेवल्स कहलाते हैं। बायोटिक मतलब लिविंग के बारे में, एक ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन। तो तीन कैटेगरी हमारी प्योरली लिविंग को रिप्रेजेंट करती है। ऊपर की जो चार कैटेगरी है, यहाँ पे लिविंग तो हो गई, बायोटिक फैक्टर तो है, बट बायोटिक के साथ साथ यहाँ पे एबायोटिक भी है। एबायोटिक का मतलब अगेन वही टेम्परेचर, लाइट, है ना, रेनफॉल, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, पीएच, एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, जितने भी आप फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स पढ़ते हो वो सब एबायोटिक में आते हैं। तो एबायोटिक और बायोटिक जब जोड़ दोगे तो ऊपर के लेवल बनेंगे। अब जैसे फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है, अब फॉरेस्ट अगर एक इकोसिस्टम है तो ऐसा तो है नहीं कि फॉरेस्ट में केवल प्लांट और एनिमल से ही काम हो जाएगा। प्लांट को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, प्लांट्स को वाटर चाहिए, प्लांट्स को लाइट की जरूरत भी पड़ेगी, ऐसे टेम्परेचर तो एनिमल्स को भी चाहिए, है ना, आगे पढ़ेंगे इन सब के बारे में। तो इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक दोनों चीजें आती हैं, तो इकोसिस्टम बन जाएगा। फिर जैसे आप ड्राइंग में लैंडस्केप बनाते हैं, कभी लोअर क्लास में आपने ड्राइंग फाइल में बनाया लैंडस्केप, मतलब सीनरी, उसमें क्या दिखाते हैं कि आपने पीछे की तरफ सीनरी में हिल्स बना दी, फिर एक रिवर बना दी, फिर पास में एक हट बना दिया, एक पेड़ बना दिया, है ना, एक छोटा सा पॉन्ड बना दिया, दो तीन कैटल्स बना दिए ड्राइंग करते समय, तो वो लैंडस्केप कहलाता है, पेंटिंग टाइप है। तो लैंडस्केप का मतलब क्या हुआ, इकोलॉजी में लैंडस्केप का मतलब ये होता है कि एक बहुत बड़ा एरिया लेंगे आप, बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा। अब जैसे इमेजिन कर लीजिए कि आपको एक बहुत बड़ा एरिया लेना है, तो उस एरिया के अंदर बहुत सारे इकोसिस्टम आएंगे, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि आप फॉरेस्ट में गए तो फॉरेस्ट तो अपने आप में एक इकोसिस्टम है, फिर फॉरेस्ट के बीच में कोई रिवर बह रही है तो रिवर एक अलग इकोसिस्टम होता है, तो फॉरेस्ट भी हो गया, रिवर भी हो गया। फॉरेस्ट जहां पे खत्म होगा वहां से जमीन शुरू हो जाएगी तो वो ग्रासलैंड बन जाएगा, ग्रासलैंड एक अलग इकोसिस्टम होता है। तो मान लीजिए तीन हो गए, आप असम या मेघालय या कहीं भी ऐसे हिली एरिया पे जाइए तो वहां पे आपको ये तीनों चीजें कॉमन दिख जाएंगी, जंगल भी दिख जाएगा, ग्रासलैंड भी दिख जाएगा और रिवर भी दिख जाएगी। तो तीन इकोसिस्टम एक ही जगह पे हैं और तीनों इंडिपेंडेंट हैं। ऐसा तो होता नहीं कि रिवर के ऑर्गेनिज्म निकल के फॉरेस्ट में चले जाएंगे रहने के हिसाब से, है ना। हम इसकी बात नहीं कर रहे कि फॉरेस्ट में मान लीजिए किसी को प्यास लगी, वो रिवर में पानी पीने आ गया, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट वो रिवर का ऑर्गेनिज्म नहीं है। लायन रिवर में नहीं रहता, लायन फॉरेस्ट में रहेगा, पानी पीने के लिए रिवर में आ जाएगा, दैट इज डिफरेंट थिंग, किनारे पे आ जाएगा। तो रिवर एक अलग इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट अलग इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड अलग है, सब इंडिपेंडेंट है। तो ऐसा बड़ा सा एरिया जहाँ पे बहुत सारे इकोसिस्टम इंडिपेंडेंटली ऑपरेट होते हैं, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, लैंडस्केप बोलते हैं। लैंडस्केप बेसिकली कभी ज्योग्राफी में आपने पढ़े होंगे लोअर क्लास में, है ना, अगर
बहुत बड़े बड़े ग्रासलैंड होते हैं, पेरीज, पैम्पास, साउथ अफ्रीका में बहुत बड़े बड़े ग्रासलैंड है, रशिया में बड़े बड़े ग्रासलैंड। तो ये सब चीजें आपको उस लेवल पे पढ़ाई जाती हैं, बेसिकली ज्योग्राफी का पार्ट बन जाता है। सो लैंडस्केप का मतलब हमारे लिए इतना हुआ कि पीस ऑफ अर्थ या ए ह्यूज एरिया वेयर मैनी इकोसिस्टम्स आर ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली, जहां पे कई सारे इकोसिस्टम इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं, वो लैंडस्केप कहलाता है। फिर आता है बायोम इसके ऊपर। अब बायोम आप पूरी अर्थ जो ग्लोब होता है ना, कभी आपने देखा हो घुमाने वाला टेबल पे जो रखा होता है, तो उस ग्लोब को देखोगे तो उसमें बहुत सारे लाइंस बनी होती है, लैटिट्यूड्स होते हैं, एल्टीट्यूड्स होते हैं। तो आप इक्वेटोरियल लाइन होती है, सब जानते हैं इक्वेटर, इक्वेटर से आप पोल की तरफ जाओगे तो आपको अलग अलग जोन मिलेंगे। ज्योग्राफी में कभी आपने पढ़ा हो तो ट्रॉपिकल होता है, सब ट्रॉपिकल होता है, टेम्परेट एरियाज होते हैं, आर्कटिक है, अंटार्कटिक है, टुंड्रा है, टैगा है, एल्पाइन मीडोज हैं, डेजर्ट हैं, कोनीफेरस फॉरेस्ट होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, है ना। तो इस टाइप के जो एरिया हैं इनको बायोम बोला जाता है। जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, तो एनसीईआरटी में एक ग्राफ बना हुआ है, आप उस ग्राफ में बायोम को देख सकते हो। अगर अभी आपके पास एनसीईआरटी है या कैल्विन का मॉड्यूल है तो उसमें एक ग्राफ बना हुआ है, उस ग्राफ में आप बायोम के बारे में देख सकते हो। उतना ही बस हमें बायोम के बारे में पढ़ना है। बायोम का मतलब क्या हुआ, एक बहुत बड़ा एरिया विच इज कैरेक्टराइज बाय। बायोम में खास बात क्या होती है कि बायोम में हर एक बायोम का जो टेम्परेचर और जो रेनफॉल है वो फिक्स होता है। बायोम को कैटेगराइज करने में जो क्राइटेरिया यूज होते हैं, एनसीईआरटी में जो ग्राफ बना है उसको अगर आप देखोगे तो उस ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो एक्सिस होते हैं, जैसे ग्राफ आप बनाते ही हो। तो एक्स एक्सिस पे दिया होगा रेनफॉल, एनुअल प्रेसिपिटेशन, पूरे साल भर में बारिश, या बारिश के जैसे कहीं पे बर्फ गिर रही है तो वो भी। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है फॉर्म ऑफ वाटर, पानी की कोई भी फॉर्म, चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो तो रेनफॉल, सॉलिड स्टेट में है तो स्नोफॉल, अगर फुहार है, ओस की बूंदे हैं, तो ये सब भी प्रेसिपिटेशन में ही काउंट। तो एक्स एक्सिस पे लिखा होगा मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन, मतलब पूरे साल भर कितना पानी आया, और वाई एक्सिस पे लिखा होगा मीन एनुअल टेम्परेचर, पूरे साल भर में एवरेज टेम्परेचर कितना रहा। तो किसी भी बायोम को आप अगर जब कैरेक्टराइज करते हो तो उसमें दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, कितनी बारिश हुई सिंपल मैनर में कहा जाए तो, और कितना टेम्परेचर रहा। इसी चीज से आप जो है वो सारे बायोम को देख सकते हो। अब डेजर्ट होगा तो आपको पता ही है डेजर्ट में बारिश कम होती है, टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो आप डेजर्ट वाले एरिया को देखोगे ग्राफ में तो उसमें आपको टेम्परेचर तो ज्यादा दिखाई देगा, बारिश कम दिखाई देगी। जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, साल भर बारिश होती रहती है, जब साल भर बारिश होगी तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर कम ही रहेगा, तो उनका टेम्परेचर कम होगा और उनकी रेनफॉल की रेंज बहुत ज्यादा होगी। तो बायोम का मतलब है जहां पे एनुअल टेम्परेचर और एनुअल रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन के हिसाब से वेजिटेशन आता है। वेजिटेशन मीन्स प्लांट टाइप, है ना, हर एक बायोम का वेजिटेशन अलग होता है। बायोम को यूजुअली प्लांट के हिसाब से डिजाइन किया जाता है, एनिमल्स के हिसाब से यूजुअली नहीं करते, है ना। बायोम में खास बात क्या है, प्लांटेशन, वेजिटेशन बोला जाता है, तो वेजिटेशन के हिसाब से हम बायोम को डिजाइन कर लेते हैं। और जैसा मैंने कहा कि अगर आपने पूरी अर्थ को एक साथ ले लिया, होल अर्थ, ऐसे भी लोग हैं जो अर्थ के एटमोस्फियर की स्टडी करते हैं, हमारे एटमोस्फियर की नहीं, अर्थ के एटमॉस्फेयर की। तो पूरे लिविंग प्लैनेट को जो एक साथ स्टडी करेंगे वो सबसे ऊपर का लेवल है, बायोस्फेयर कहलाता है। तो बायोस्फेयर का मतलब है अवर ग्रीन प्लैनेट, तो पूरी अर्थ एक साथ, है ना। अब जैसे कभी आपने, सब कॉमन सी बातें हैं, गूगल अर्थ कभी खोल के देखा हो आपने किसी कंप्यूटर लैपटॉप पे, तो गूगल अर्थ जब आप खोलोगे तो केवल एक अर्थ नजर आएगी आपको, और अर्थ पे उसके लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड जो ग्रेडियंट्स होते हैं वो सब दिए होते हैं। फिर आप जैसे जैसे स्क्रॉल करते जाओगे वैसे वैसे आप चीजों को लोकेट करते जाओगे। गूगल अर्थ खोलिए, लॉग इन करिए गूगल को, तो गूगल अर्थ दिख जाएगा। फिर आप माउस को स्क्रॉल करके देखिए तो आपको अर्थ में, मान लीजिए क्या ढूंढना है, आपको एशिया ढूंढना है तो आप एशिया पे फोकस करिए, फिर एशिया में आपको इंडिया फोकस करना है, फिर इंडिया को स्क्रॉल करिए तो आपको दिल्ली मिल जाएगा, दिल्ली को भी स्क्रॉल करोगे तो हो सकता है आपको सेंट्रल दिल्ली मिल जाए या नॉर्थ ईस्ट दिल्ली मिल जाए, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आपको शाहदरा भी मिल जाएगा, और स्क्रॉल करोगे तो यमुना विहार भी मिल जाएगा, एल्विन का एड्रेस भी पड़ा होगा।
इससे ज्यादा हम स्क्रॉल मतलब हम नहीं कर सकते, हम सिविलियंस नहीं कर सकते, बाकी डिफेंस सैटेलाइट्स के पास इससे भी ज्यादा स्क्रॉल करने की पावर। सर हम भी कर सकते हैं। हाँ सर हम भी कर सकते हैं। आप अब ये नहीं देख सकते कि आपके घर के अंदर कितने लोग हैं, आप एक घर को लोकेट कर लोगे। गूगल स्ट्रीट व्यू से शायद देख सकते हैं अंदर का, अगर किसी ने अपलोड कर रखा होगा तो। हाँ वो अपलोड कर रहा तो है, लेकिन उसके बहुत सारे टर्म्स कंडीशंस होते हैं, लेकिन जैसे yes, जो डिफेंस सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं, जो हमारा डिफेंस सिस्टम है वो कर लेता है, वो इंफ्रारेड से ये भी पता कर लेगा कि घर में कितने लोग हैं और वो क्या कर रहे हैं, किस पॉस्चर में, या उनके पास मेटल ऑब्जेक्ट्स हैं या नहीं है, लाइक दिस। तो एक्सेस तो होता ही है सैटेलाइट के पास कि वो एक घर के अंदर कितने लोग बैठे हुए हैं वो भी पता कर लें, बट यूजुअली नहीं होता। यूजुअली ये है कि जैसे मैं स्क्रॉल करता हूँ तो ज्यादा से ज्यादा मुझे यमुना विहार दिख जाएगा, मेरी गली दिख जाएगी, गली में मेरा घर दिख जाएगा बस। अब मेरा घर 5 मंजिला है तो उस 5 मंजिले में मैं किस मंजिल पे हूँ और नीचे वाले फ्लोर पे कितने लोग हैं वो सब हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये भी बेसिकली इकोलॉजी के जैसा ही हुआ, क्योंकि हमने अलग अलग चीजें स्क्रॉल करके देखी, अलग अलग लेवल बना लिए। अब आप इसको ऐसे समझिए कि जो यमुना विहार के बारे में पढ़ रहा है, जो दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को समझ रहा है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की इतनी पॉपुलेशन है, यहाँ पे इतनी बारिश होती है, यहाँ पे इतनी ह्यूमिडिटी होती है, तो ये जो डेटा है वो डेटा वो पूरे एशिया पे तो ना अप्लाई कर सकता है। और जो एशिया के बारे में पढ़ रहा है, पूरे कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ रहा है, वो यमुना विहार पे कोई चीज अप्लाई नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए आपने 11th में पढ़ा था कि जब हम किंगडम या फाइलम डिवीजन की बात करते हैं, हमने कॉर्डेटा फाइलम पढ़ा, तो कॉर्डेटा के कैरेक्टर ऑब्वियस है कि होमो सैपियंस में आएंगे, लेकिन कॉर्डेटा तो बहुत जर्नलाइज लेवल पे हुआ ना, क्योंकि हमने कॉर्डेट्स को कॉर्डेट्स की डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ा। अब कॉर्डेट के अंदर क्लास मैमेलिया, फिर हमारा ऑर्डर प्राइमेटा, फिर हमारी फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो, फिर सैपियंस स्पीशीज। तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे प्रिसाइज होता जाएगा, एक्यूरेसी आती जाएगी। सेम हियर कि बायोस्फीयर से लेके ऑर्गेनिज्म तक जैसे जैसे आप नीचे के लेवल पे जाएंगे आप चीजों को समझते चले जाएंगे। लेकिन हाँ ये जरूर है कि टैक्सोनॉमी में जो लेवल आप बनाते हैं वो ऑब्लिगेट होते हैं, कंपलसरी होते हैं। कोई भी क्लासिफिकेशन होगा तो किंगडम से स्टार्ट होके स्पीशीज तक वो जो 7 कैटेगरी है वो होंगी ही होंगी, दे आर मस्ट। यहाँ कुछ ऐसा फिक्स नहीं है, दीज आर नॉट ऑब्लिगेट कैटेगरीज, है ना, कंपल्शन नहीं है कि ये सारी चीजें होंगी ही होंगी। ये कन्वीनियंस है और वहां पे रूल था, है ना, वहां पे मैंडेटरी था कि 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी टैक्सोनॉमिक हायरार्की में होती है। इकोलॉजी की हायरार्की में ये कंपलसरी नहीं। आप एनसीईआरटी को देखोगे तो एनसीईआरटी ने बेसिकली 4 पे फोकस किया हुआ है, जो आपके चैप्टर हैं उनके हिसाब से उन्होंने ऑर्गेनिज्म के बारे में दिया है, पॉपुलेशन के बारे में दिया है, है ना, थोड़ा सा कम्युनिटी के बारे में दिया है, फिर बायोम के बारे में दिया हुआ है। यूजुअली जो 4 लेवल आपकी बुक में दिए हुए हैं वो यही, आप अगर बुक में सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा कि ब्रॉडली अगर हम कैटेगराइज करें तो 4 लेवल होते हैं। तो ये 4 लेवल ये है, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोम। क्योंकि जो बायोस्फीयर है अर्थ साइंस वो एक अलग सब्जेक्ट हो गया आजकल, है ना, लैंडस्केप ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है, बिकॉज यहाँ पे जो क्या कहते हैं जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि कितने डिग्री लैटिट्यूड, कितने डिग्री एल्टीट्यूड पे कोई लैंडस्केप बनता है। तो ये बेसिकली ज्योग्राफी का पार्ट आ जाता है, ये अर्थ साइंस का पार्ट हो जाता है। इकोसिस्टम तो अभी हम पढ़ेंगे बायोटिक, एबायोटिक के हिसाब से, बाकी सब इकोलॉजी में आप पढ़ते हैं। तो यहाँ कन्वीनियंस के हिसाब से बेसिकली ये समझा गया कि भाई इकोलॉजी को पढ़ने के लिए जो लेवल्स बनाए गए हैं वो लेवल्स क्या क्या है। क्लियर। अब बात करते हैं चैप्टर फर्स्ट, दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन क्या है, मान लीजिए कि चैप्टर में 2 पार्ट है, एक ऑर्गेनिज्म को लेके है और एक पॉपुलेशन को लेके, तो हमें एक एक करके समझना है। अब सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि बायोम का एक ग्राफ आपकी बुक में स्टार्टिंग में ही बना हुआ है ना, आप अपने बुक में देखोगे तो लिखा है आपका हेडिंग ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिज्म के बारे में और उसके एनवायरनमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं, ये फर्स्ट हेडिंग दी हुई है। अब ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के बारे में दिया है, तो सबसे पहले मान लीजिए हम जैसे हमने अभी टैक्सोनॉमिक इसमें हायरार्की में देखा इकोलॉजी में कि भाई ऑर्गेनिज्म सबसे बेसिक लेवल की है। तो जब आप एक ऑर्गेनिज्म के बारे में इकोलॉजी पढ़ते हैं, इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्मिक लेवल, एक ऑर्गेनिज्म के लेवल पे जब इकोलॉजी पढ़ते हैं
तो वो क्या कहलाती है, दिस इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। क्योंकि मान लीजिए मेरे बारे में कोई अगर पढ़ रहा है तो क्या पढ़ेगा, मेरा स्ट्रक्चर, तो मेरी मॉर्फोलॉजी हो गई, मेरी एनाटॉमी एंड मेरी फिजियोलॉजी भाई, मेरा डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, है ना, हार्मोन्स, स्केलेटल, सेंस ऑर्गन, यही तो है। आप एक ऑर्गेनिज्म के बारे में क्या पढ़ोगे, आप यही तो पढ़ोगे कि ऑर्गेनिज्म कब खाता है, कब सोता है, कब उठता है, कहाँ जाता है, किस टाइम पे रिप्रोड्यूस करता है, किसी पर्टिकुलर सीजन में करता है या पूरे साल भर करता है, यही सब तो है। और ये सारी चीजें क्या होती है, ये सब फिजियोलॉजी होती है। तो एक ऑर्गेनिज्म की इकोलॉजी का मतलब हुआ कि हम उसकी फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी की बात करते हैं, और उस इकोलॉजी से हमें पता चला है कि वो किसी भी एरिया में रहने के लिए कैसे सुटेबल हुआ, है क्या क्या चेंजेस हुए। अगर एक जैसे हम कहते हैं कि डेजर्ट में रहने लायक सिचुएशंस नहीं है, बट एनिमल्स तो डेजर्ट में भी हैं, प्लांट्स भी डेजर्ट में होते हैं। या मान लीजिए बिल्कुल आप पोल्स पे चले जाइए, तो कहते हैं कि पोल्स पे भी आपको बैक्टीरिया तो वहां भी मिलेंगे, पोल्स पे पोलर बियर तो कॉमन है ही, है ना, रेनडियर एनिमल्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, मॉसेस और जो क्लेमाइडोमोनास एल्गी होती है वो भी स्नो कवर्ड एरिया में ग्रो कर जाती है। तो इसका मतलब ऑर्गेनिज्म तो हर जगह ग्रो कर जाता है, चाहे कंडीशन फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो। तो अगर अनफेवरेबल कंडीशन पे, जहाँ पे यूजुअली लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती या बहुत कम करती है, वहां पे भी अगर ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है तो कैसे ग्रो करेगा, डिपेंडिंग ऑन इट्स फिजियोलॉजी, एडॉप्टेशन, जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि वो उस एरिया में रहने के लिए एडॉप्ट हो जाएगा, वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेगा कि वो चिलिंग टेम्परेचर को या फ्रीजिंग टेम्परेचर को टॉलरेट कर सके। नॉर्मली हम जाएंगे तो टॉलरेट नहीं कर सकते, लेकिन पोलर बियर उस जगह पर रह के अपने आप को कैपेबल बना लेगा। तो सबसे पहली चीज की अगर हम बात करें कि भाई ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, इकोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्मिक लेवल, तो ये इस बन जाता है फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। इसे क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी बोलते हैं। इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्मिक लेवल इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। और इसी वजह से एडॉप्टेशन आएंगी, एडॉप्टेशन दोनों चीजों के लिए होती है, सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। अब आगे जैसे इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो कॉम्पिटिशन, जब आप पढ़ेंगे तो कॉम्पिटिशन तीन चीजों के लिए होता है, फूड, शेल्टर, मेटिंग, और इसी सीक्वेंस में होगा। कोई भी दो लोग जब लड़ते हैं, मीन्स कॉम्पीट करते हैं, तो सबसे पहले वो फूड के लिए करते हैं, बिकॉज हर एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहना है, उसके लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी कम्स फ्रॉम द फूड, तो सबसे पहले फूड के लिए कॉम्पिटिशन। फिर आता है शेल्टर, हर एक ऑर्गेनिज्म बचना चाहता है अपने प्रीडेटर से, उसके ऊपर का जो ट्रॉफिक लेवल होगा, जो उसका शिकार कर सकता है, उससे बचने के लिए वो शेल्टर ढूंढता है। और फिर आता है इवोल्यूशन में मेटिंग, रिप्रोडक्शन, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करना चाहता है, तो पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए उसे अपोजिट मेटिंग पार्टनर की जरूरत है, अपोजिट सेक्स की जरूरत है, सो दैट्स व्हाई फिर वो मेटिंग के लिए कॉम्पीट करेगा। अब मान लीजिए एक ही स्पीशीज के दो मेंबर हो, लाइक दो होमोसैपियंस हैं, चलो होमोसैपियंस छोड़ दो क्योंकि हम सोशल एनिमल हैं, लाइक दो लायन हैं। अब अगर टू लायंस हैं तो वो दोनों जब कॉम्पीट करेंगे तो तीनों चीज के लिए करेंगे, बिकॉज कॉमन हो गया, फूड के लिए भी कॉम्पीट करेंगे, शेल्टर के लिए भी कॉम्पीट करेंगे, मेटिंग के लिए भी कॉम्पीट करेंगे। बट अगर मान लीजिए लायन और टाइगर कॉम्पीट कर रहे हैं, तो दोनों का फूड कॉमन हो सकता है, दोनों का शेल्टर कॉमन हो सकता है, दोनों का मेटिंग तो कॉमन हो नहीं सकता, लायन, लायनस, टाइगर, टाइग्रस, तो क्योंकि डिफरेंट स्पीशीज हैं और मेटिंग एक ही स्पीशीज के मेंबर के बीच में होती है। 11th में कभी आपने स्पीशीज के डेफिनेशन में पढ़ा होगा। तो जब आप ये फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी पढ़ते हैं तो यहीं से आती है एडॉप्टेशन, और ये एडॉप्टेशन दो चीजों के लिए होती है, सर्वाइवल के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए, मेटिंग के लिए। जब भी कोई एडॉप्टेशन आएंगी, आप अगर कभी देखोगे नेचर में
कि कोई प्लांट के अंदर या कोई एनिमल के अंदर कोई चेंज आया तो उस चेंज के दो रीजन होंगे, एक सर्वाइवल और एक रिप्रोडक्शन। ये आपने इवोल्यूशन पढ़ा होगा तो इवोल्यूशन में भी सेम लाइन है, लैमार्क की थ्योरी भी पढ़ेंगे तो उसमें भी यही है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जैसे डार्विन ने तो एक पूरा स्लोगन दे दिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, लेकिन उसकी शुरुआत अगर आप देखोगे तो लैमार्क की थ्योरी में है, और रिप्रोडक्शन तो लैमार्क की थ्योरी की पहली लाइन है। एवरी ऑर्गेनिज्म टेंड्स टू रिप्रोड्यूस मैक्सिमली, हर एक ऑर्गेनिज्म मैक्सिमम रिप्रोडक्शन करना चाहता है। तो जब भी आप जैसे फिजियोलॉजी मेरी मॉडिफाई हुई, लाइक कोई प्लांट है, डेजर्ट का प्लांट है, उसने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया, तो जब वो मॉडिफाई करेगा तो उसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से वो अडॉप्ट होगा, और अडॉप्ट होने के बाद वो उसी डेजर्ट में सर्वाइव भी कर लेगा और रिप्रोड्यूस भी कर लेगा। ये इस पूरी लाइन का मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म जब अपनी फिजियोलॉजी को अडॉप्ट करता है, फिजियोलॉजी को मॉडिफाई करता है विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरनमेंट जहां वो रहना चाहता है उसके लिए, तो अडॉप्टेशन के बाद दो पॉसिबिलिटी है, वो उस एरिया में सर्वाइव भी कर लेगा और वो उस एरिया में रिप्रोड्यूस भी कर लेगा। ऐसा नहीं है कि केवल सर्वाइवल हो जाए, अगर सर्वाइवल हो गया और रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी नहीं आई तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर तो वो एक ऑर्गेनिज्म है, वो सर्वाइव तो कर जाएगा बट वो अपना नंबर तो इंक्रीज कर नहीं पाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी तो उसकी पॉपुलेशन तो क्लोज हो गई, उसकी पॉपुलेशन तो खत्म हो गई, तो उसे नेक्स्ट जनरेशन भी लानी है, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सर्वाइवल। हाँ, दोनों में से पहले हमेशा सर्वाइवल ही आता है, पहले सर्वाइव करेंगे तभी तो रिप्रोड्यूस करेंगे, और सर्वाइव करने के लिए फूड चाहिए, है ना, सर्वाइवल मीन शेल्टर, बट उसके लिए फूड तो चाहिए, इसीलिए फूड, फिर आता है शेल्टर, फिर आता है मेटिंग, है ना, इस तरीके से चीजें आती है। ठीक है, अब थोड़ा सा ज्योग्राफी का एंगल दिया है कि भाई अर्थ पे जो बायोम बनते हैं, जैसे अभी हमने बायोम के नाम लिखे, मैंने कुछ आपको बायोम के नाम बोले ग्राफ में भी दिए हुए, तो ये बायोम बनते कैसे हैं, अगर आप पूरा अर्थ का ओरिजिन समझोगे तो ये बायोम कैसे बनते हैं, इसके लिए एक पैराग्राफ दिया हुआ है ना, मैं लिखूंगा नहीं, थ्योरेटिकल है, आप थोड़ा बहुत इन चीजों को ऑलरेडी समझते भी हो, थोड़ा ज्योग्राफी थोड़ा फिजिक्स इस तरीके से दिया। आपको पता है सबको भाई कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ रोटेट करती है ना, अर्थ जो हमारा प्लैनेट है वो रोटेट करता है अराउंड द सन, और सबने ये भी देखा होगा ग्लोब में भी आपने देखा होगा कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस से थोड़ी झुकी हुई है, टिल्ट अलोंग द एक्सिस एंड रोटेशन अराउंड द सन। अर्थ में दो खास बातें हैं कि एक तो ये कि वो सन के चारों तरफ रोटेट करती है ना, रोटेशन है उसका, और वो अर्थ अपने एक्सिस से थोड़ा सा झुका हुआ है। इन दोनों की वजह से क्या होता है कि अर्थ में एनुअल वेरिएशंस आते हैं, है ना, जिनकी वजह से टेम्परेचर की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन चेंज होता है, और फिर उससे अलग अलग सीजन बनते हैं। आपने कभी ज्योग्राफी में पढ़ा हो कि भाई विंटर, समर, स्प्रिंग, ऑटम, ये सब कैसे बनते हैं, तो उसका रीजन यही है कि अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है ना, और अपने एक्सिस से थोड़ा झुकी हुई है, तो जब सन की लाइट अर्थ पे आएगी और अर्थ क्योंकि घूम रही है तो कहीं पे धूप आएगी, यानी टेम्परेचर ज्यादा होगा, कहीं पे कम होगा, फिर ऐसा भी नहीं है कि जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है वहां पूरे साल भर ज्यादा ही रहेगा, जहां कम है वहां पूरे साल भर कम रहेगा, क्योंकि वो रिवॉल्व हो रही है, वो रोटेट कर रही है, इसलिए वेरिएशंस भी आएंगे। जैसे इंडिया को आप देख लीजिए तो जाड़ा, गर्मी, बरसात, सारे अलग अलग सीजन आते हैं, तो सीजन कैसे बनते हैं, सीजन्स बनते हैं अर्थ के रोटेशन अराउंड द सन एंड टिल्ट ऑफ द एक्सिस, जिसकी वजह से एनुअल वेरिएशंस आएंगे इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, और उसका रिजल्ट ये होता है कि अलग अलग सीजन बनते हैं। ठीक, ये तो सीजन की बात आ गई। अब जब ये वेरिएशंस आएंगे, इनमें टेम्परेचर तो हमने काउंट कर ही लिया, अभी मैंने आपको बताया कि बायोम बनाने के लिए दो पैरामीटर चाहिए, एक टेम्परेचर आता है और दूसरा पैरामीटर क्या कहलाता है, दूसरा पैरामीटर है रेनफॉल एंड प्रेसिपिटेशन। तो जब आप इन्हीं डिस्टिंक्ट सीजन के अंदर, जब आप प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन का मतलब है रेनफॉल, स्नोफॉल, ड्यू, है ना, ओस जो होती है वो, फुहार होती है, ब्रीज, है ना, ड्रिजल या हेल स्टॉर्म, ओले भी अगर गिर गए तो वो भी पानी का एक तरीका है, वो भी इट्स अ फॉर्म ऑफ वाटर, तो वो भी प्रेसिपिटेशन में काउंट किया जाता है। तो रेनफॉल एंड प्रेसिपिटेशन जब इस टेम्परेचर के साथ मिलेगा तो फिर यहाँ से बायोम बनते हैं। बायोम बनाने के लिए दो चीजें चाहिए, एक टेम्परेचर और एक रेनफॉल एंड प्रेसिपिटेशन। जब ये दोनों चीजें आएंगी तो अलग अलग टाइप के बायोम बनते हैं। बायोम के नाम आपकी बुक में दिए हुए हैं, जैसे डेजर्ट एक बायोम है,
रेन फॉरेस्ट। अब आप देखो तो आपने मान लीजिए अर्थ आप जैसे बनाते हो ना, मैं एक रफ ड्रॉ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, लाइक ये अर्थ है तो आप जब बनाते हो तो ये इक्वेटोरियल लाइन है ना। अगर आप इंडिया बना रहे हो तो इट लुक्स लाइक इधर, तो इंडिया में जहाँ पे एक तरफ डेजर्ट आ रहा है गुजरात राजस्थान, तो दूसरी तरफ जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आ जाते हैं जो परपेचुअली रेन सोक्ड फॉरेस्ट हैं, हमेशा भीगे रहते हैं, है एक ही लाइन ट्रॉपिकल बेल्ट। ये क्या कहलाती है? ट्रॉपिकल है। फिर यहाँ पे जाओगे तो ये सब ट्रॉपिकल है, फिर यहाँ पे आओगे तो ये टेम्परेट एरिया है, फिर यहाँ पे जाओगे तो आर्कटिक एरिया है, यहाँ पे इस तरीके से ये ग्लोब होगी, है ना। ऐसे तो बनाते हैं अर्थ, ये जो ग्लोब रखा होता है टेबल पे लाइक दिस, जो आप उसको घुमाओगे तो ये ट्रॉपिकल बेल्ट है ना, ट्रॉपिकल हो गया, फिर यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हो गया। हम आगे पढ़ेंगे वैसे इन सब के बारे में, जो थोड़ा बहुत दिया है बुक में वो तो आपको पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे टेम्परेट एरिया है ना, यहाँ पे आर्कटिक है, और फिर जब आप इसको घुमाओगे तो आपको आर्कटिक है तो अंटार्कटिक भी मिल जाएगा, टुंड्रा और टैगा भी मिल जाएंगे। अब मान लीजिए ये ट्रॉपिकल है, तो इस ट्रॉपिकल बेल्ट में अगर आप इंडिया को कहीं देखिए तो इंडिया कुछ इस तरीके से आपको जो है वो ऐसे कुछ इंडिया नजर आएगा, है ना। तो एक तरफ ट्रॉपिकल और राजस्थान का एरिया है जहाँ पे डेजर्ट है, दूसरी तरफ यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जहाँ पे रेन सोक्ड फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल बेल्ट ही, है ना। तो डेजर्ट भी है और ये भी है। अब डेजर्ट में रेनफॉल कम है तो टेम्परेचर ज्यादा, और रेन फॉरेस्ट में टेम्परेचर कम है क्योंकि रेनफॉल पूरे साल भर होती है, तो एक ही जगह पे दोनों है। इवन अगर आप इसको थोड़ा सा और ठीक तरीके से ग्लोब पे देखोगे तो जैसे लद्दाख है तो लद्दाख कोल्ड डेजर्ट कहलाता है, जबकि जो रेगिस्तान थार का है राजस्थान में जो है वो हॉट डेजर्ट कहलाता है। तो डेजर्ट का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा गर्म वाला डेजर्ट ही होगा। हम डेजर्ट को हमेशा इस तरीके से समझते हैं कि जो रेगिस्तान है वो राजस्थान में जो है वही डेजर्ट है, और जो लद्दाख है वो भी एक डेजर्ट है, उसको क्या बोलते हैं कोल्ड डेजर्ट। वहां टेम्परेचर इतना कम है कि कुछ नहीं हो रहा, और थार में इतना ज्यादा है कि कुछ नहीं हो रहा, है ना। दोनों ही केस में वेजिटेशन ऑलमोस्ट निल, जीरो, प्लांटेशन ना के बराबर, एनिमल्स दोनों जगह मिल जाएंगे। ये सब कैसे बनते हैं बायोम? इन बायोम को बनाने के लिए दो चीजें चाहिए, एक एनुअल प्रेसिपिटेशन और एक टेम्परेचर। अब ये बायोम बन गए। अब हर एक बायोम के अंदर अलग अलग तरीके के लोकल वेरिएशन होते हैं। जैसे लोकल वेरिएशन का मतलब क्या है, मान लीजिए हम ट्रॉपिकल बेल्ट है, मैंने अभी आपको बताया कि वी आर इन ट्रॉपिक्स, इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, ये लाइन कई बार आएगी। तो इंडिया अगर एक ट्रॉपिकल कंट्री है तो ट्रॉपिकल कंट्री में भी लोकल वेरिएशन है। ऐसा भी नहीं है कि अगर ये इक्वेटोरियल लाइन है ट्रॉपिकल बेल्ट, अगर हम मान लें कि ये वाली है तो इसमें राजस्थान, फिर यहाँ पे मान लीजिए थोड़ा सा महाराष्ट्र का, गुजरात महाराष्ट्र, फिर यहाँ पे एमपी, फिर थोड़ा सा झारखंड, फिर थोड़ा सा बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, और फिर ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे जितने भी स्टेट्स आ रहे हैं वो सब एक ही जैसे हैं, उनके अंदर भी रीजनल या लोकल वेरिएशन होते हैं। रीजनल या लोकल वेरिएशन का मतलब क्या है, जैसे आप कई बार समझते हो कि आपने दिल्ली में पढ़ा होगा कि पता चला कि साउथ दिल्ली में तो बारिश खूब हो रही है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में बारिश हो ही नहीं रही। अब आप कहेंगे सर इंडिया के मैप पे दिल्ली तो बहुत छोटा है, दिल्ली वैसे बड़ा है लेकिन अगर आप पूरे अर्थ पे देखोगे तो दिल्ली बहुत छोटा है, इंडिया में भी ढूंढोगे तो दिल्ली तो बहुत छोटा सा स्टेट है, बट फिर भी आपको पता है ना कि एक कोने पे बारिश हो रही है दूसरे पे हो ही नहीं रही। इवन ये तो बहुत कॉमन है, आप सड़क पे कभी खड़े हो जाइए तो आपको दिखाई देता है कि 100 मीटर दूर बारिश हो रही है और जहां मैं खड़ा हूँ वहां तो बारिश हो ही नहीं रही। इसका मतलब क्या है कि किसी भी एरिया के अंदर, किसी भी बायोम को अगर हम कंसिडर कर लें तो उसमें कुछ रीजनल या लोकल वेरिएशंस भी होते हैं जिनकी वजह से अलग अलग टाइप की हैबिटेट बन जाती है। जैसे आप साउथ दिल्ली की बात करोगे तो एक नीट में कभी क्वेश्चन आया था, AIPMT होता था, कि दिल्ली का वेजिटेशन कैसा है ना। दिल्ली वेजिटेशन इज चीफली, और फिर ऑप्शंस दिए थे कि वो मीजोफिटिक है, जीरोफिटिक है, क्रायोफिटिक है, हेलोफिटिक है, इस तरीके से। तो दिल्ली का वेजिटेशन कैसा है, जीरोफिटिक है। आपको सरप्राइज लगेगा क्योंकि जीरोफाइट्स तो आप समझते हो रेगिस्तान में, अब दिल्ली में रेगिस्तान कहाँ है। रेगिस्तान डिफरेंट थिंग है, डेजर्ट डिफरेंट थिंग है, जीरोफिटिक डिफरेंट टर्म्स है। तो दिल्ली का वेजिटेशन कैसा है, जीरोफिटिक। अगर आप साउथ दिल्ली में जाओगे तो केवल कीकड़ के जंगल है, कुतुब मीनार से आगे निकल जाइए वहां से लेके गुड़गांव तक, फिर वो अरावली रेंज शुरू हो जाएगी, यस सर।
कोई दवा, सब वैसे ही। और वो एरिया दिल्ली में ज्यादा है, अगर आप पूरे दिल्ली के मैप को देखोगे तो उसमें जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है या जो नॉर्थ दिल्ली है या जो वेस्ट दिल्ली है, वो एरिया बहुत कम है। जो सबसे ज्यादा एरिया है वो कौन सा है, साउथ वेस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली, जो गुड़गांव फरीदाबाद। समय भेज भी सकता हूँ उसकी फोटो। हाँ, सो दैट्स व्हाई दिल्ली का वेजिटेशन कैसा हो गया, 0 फिट। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, कोई बुक में थोड़ा लिखा है कि दिल्ली का वेजिटेशन 0 फिट है, और फिर भी आ गया, जिनको आता था उन्होंने कर दिया। तो इकोलॉजी में कई बार ऐसे एक दो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। तो ये क्यों पॉसिबिलिटी हुई, ये इसलिए हुआ क्योंकि रीजनल या लोकल वेरिएशंस हुए, जिनकी वजह से ये बातें आई। तो 3 चीजें हो गई हमारे पास। सबसे पहली चीज की अर्थ के रोटेशन अराउंड द सन एंड टिल्ट ऑफ द एक्सिस, जिसकी वजह से अर्थ पे डिफरेंट टाइप के टेम्परेचर का वेरिएशन आया है, उससे अलग अलग सीजन बन गए। अब इन अलग अलग सीजन में जो टेम्परेचर का वेरिएशन है, इसमें अगर हम रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन को ऐड कर दें तो डिफरेंट काइंड के बायोम बन जाएंगे। हमने बायोम के बारे में देखा कि हर एक बायोम में सर टेम्परेचर और रेनफॉल दो पैरामीटर इंपॉर्टेंट है। यस, वो सब टॉपिकल के ऊपर क्या लिखा है? टेम्परेट, फिर आर्कटिक, फिर ये पोल हो जाएगा। टेम्परेट एरियाज कौन से होंगे यहाँ? टेम्परेट एरिया में जैसे आप बिल्कुल बस लद्दाख का एक बॉर्डर मान लीजिए, या फिर उसके ऊपर चाइना, फिर और ऊपर जाओगे तो यहाँ रशिया आएगा, यहाँ देखोगे तो ग्रीनलैंड आएगा, जो बिल्कुल आर्कटिक एरिया के कॉन्टेक्ट में कंट्री है। यस सर, ग्रीनलैंड को ग्रीनलैंड। नो मैन्स लैंड ही तो कहते हैं, कि वहां पे खाली जो है वो कुछ साइंटिफिक सेंटर्स बने हुए हैं, लोग वहां पे ग्लेशियर्स वगैरह की स्टडी करने के लिए जाते हैं, यूएस के हैं कुछ, रशियंस के हैं, तो बस वही है, वहां पे कोई रहता था ना, क्योंकि तो यहाँ पे रहने लायक कंडीशन ही नहीं। सबसे सर ज्यादा डेनमार्क भी तो है। प्रॉब्लम कुछ कह रहे हो कृष्णा? सर डेनमार्क भी तो है वहीं पे। हाँ, मतलब वही पूरा ग्रुप, अब बहुत सारे कंट्री हैं, जितना बड़े बड़े कंट्री याद रहते हैं कि अच्छा ये यहाँ पे है, या फिर जो डेटा बुक में दिया होगा वो हमें आगे पढ़ना ही। तो इस तरीके से अब रशिया को देख लो या चाइना को देख, चाइना तो फिर भी नीचे है, रशिया तो और ऊपर है। रशिया में तो 10 महीने तो आपको इसमें फॉल ही नजर आएगा, 2 महीने वो जो गर्मी पड़ती है वो भी वहां पर बर्फ पिघलती है, ठंडा ही रहता है मतलब इंडिया के हिसाब से। और हमारे यहाँ तो ट्रॉपिकल बेल्ट में अगर आप देखोगे तो इसमें फॉल कभी नहीं, इसमें फॉल है भी तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल या उत्तराखंड के जो ऊपर का जो एरिया है बस। ये भी जो मैंने लिखा है ये सिर्फ मैंने आपको एक रफ डेटा लिखा है, बाकी जब आप इनको बोलते हैं ना, जब आप इक्वेटर से पोल पे जाते हो तो ये कहलाता है लैटिट्यूड, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स होते हैं। जैसे फ्लाइट वगैरह पे लिखा होता है 23 डिग्री टू नॉर्थ से 23 डिग्री टू साउथ, है इस तरीके से। आगे हम पढ़ेंगे, डेटा कुछ आपकी बुक में दिया भी है। तो ये तो एक रफ डायग्राम से मैंने आपको समझाया था। फिर अब आते हैं बायोम के एग्जाम्पल्स। आप अपनी बुक में देखेंगे तो एक नेक्स्ट लाइन मिलेगा आपको, कि ऐसा भी नहीं है कि अर्थ पे हर जगह जो कंडीशंस हैं वो फेवरेबल ही हो, ऐसी भी जगह हैं जहां पे कंडीशंस अनफेवरेबल होती है, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल कंडीशंस हैं, जहां पे पॉसिबली लाइफ होनी नहीं चाहिए, बट फिर भी जो ये अडॉप्टेशन वाली बात हमने लिखी है, बट फिर भी ऑर्गेनिज्म वहां पे प्रेजेंट है ना। एक्सट्रीम या हार्श हैबिटेट होती है, जैसे राजस्थान का डेजर्ट मैंने बताया, थार का डेजर्ट जो इंडिया का हॉट डेजर्ट है, जहाँ टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है। अब सोचो वहां पे भी सोल्जर्स ड्यूटी तो करते ही हैं, और दूसरी तरफ ग्लेशियर्स भी हैं, है ना। आप जम्मू कश्मीर में तो बहुत सारे सियाचिन, जो कहते हैं कि बहुत एक्सट्रीम टाइप का हमारा एरिया है, और फिर भी वहां पे सोल्जर्स ड्यूटी करते ही हैं, रहने लायक कंडीशंस, -30-40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वहां पे। तो इस टाइप की हैबिटेट भी है, और यहाँ पे भी आपको प्लांट एनिमल्स मिल ही जाएंगे। तो एक तरफ अगर डेजर्ट है राजस्थान का, तो दूसरी तरफ आप मान लीजिए कि भाई ग्लेशियर्स भी प्रेजेंट हैं। मेघालय में जाएंगे तो मेघालय में जाएंगे तो वहां ऐसे भी फॉरेस्ट हैं जो पूरे साल भर भीगे रहते हैं, चेरापूंजी उसको तो कहते ही हैं, कि वहां पे साल भर बारिश होती है, परपीचुअली हमेशा रेन सोक्ड फॉरेस्ट होते हैं। ओशियन में नीचे चले जाइए, डीप ओशियन ट्रेंचेज होती हैं समुद्र में बहुत नीचे, जहाँ पे बेसिकली उसका बॉटम आना चाहिए, वो वाला एरिया भी है।
परमाफ्रॉस्ट नीट में पूछा गया कि परमाफ्रॉस्ट क्या होता है। परमाफ्रॉस्ट का मतलब है परमानेंटली फ्रोजन सॉइल, ऐसी मिट्टी जो हमेशा के लिए जम गई। अगर टेम्परेचर बहुत कम होगा तो जो सॉइल में वाटर होता है वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मिट्टी पत्थर के जैसी, बर्फ के जैसी हो जाएगी, उसको बोलते हैं परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट का मतलब है परमानेंटली फ्रोजन सॉइल, और नीट का क्वेश्चन है कि परमाफ्रॉस्ट क्या होता है। तो ऐसे एक पोल्स तो सब जानते ही है, पोलर बियर पोल्स में रहता ही है ना, माउंटेन के टॉप पे, वहां पे प्रेशर भी कम होता है, ऑक्सीजन भी कम होती है ना। कई सारी जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे बॉइलिंग वाटर रिलीज होता है, थर्मल स्प्रिंग्स होती हैं। इवन बहुत सारी पहाड़ों पे दरारें होती हैं जहाँ पे लाइकेन ग्रो करते हैं। लाइकेन आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सर ने पढ़ा, तो लाइकेन एसिडिक नेचर के होते हैं, तो बहुत एसिडिक एनवायरमेंट होता है, और फिर उस एसिडिक एनवायरमेंट में भी लाइकेन ग्रो कर जाते हैं, यानी कि ऑर्गेनिज्म तो एसिडिटी में भी ग्रो कर जाते हैं। इवन आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा आर्किबैक्टीरिया के लिए, वहां पे आपको मेथनोजेंस भी पढ़ाए गए होंगे, हेलोफाइल्स भी दिया हुआ है, थर्मोएसिडोफाइल्स भी, जो हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिटी पे भी ग्रो करते हैं। सो देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ एक्सट्रीम एंड हार्श हैबिटेट जहां पे ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अर्थ पे हमेशा फेवरेबल कंडीशन ही है, अनफेवरेबल कंडीशन भी हैं, हार्श हैबिटेट भी हैं, फिर भी ऑर्गेनिज्म वहां पे ग्रो कर जाता है। अब किसी भी हैबिटेट में क्या होगा, जैसे मैंने भी आपको ये हैबिटेट जब समझाया था, मान लीजिए हम इकोसिस्टम पढ़ रहे होते कि हमने फॉरेस्ट के बारे में देखा, तो इकोसिस्टम में तो बायोटिक और एबायोटिक ऑर्गेनिज्म भी होंगे और कुछ लाइट, रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर, ये सब चीजें। तो किसी भी हैबिटेट के अंदर दोनों चीजें होती हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं। और ऐसा नहीं होता, जैसे अभी मैंने बोला कि बायोम को करेक्टराइज करने के लिए वेजिटेशन होता है, प्लांट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आप ग्रासलैंड बोलते हो तो ग्रासलैंड में कोई एनिमल का नाम तो ना आ रहा है, ग्रासेस आ रही हैं, इसलिए वो ग्रासलैंड है। फॉरेस्ट की डेफिनेशन अगर आप डिक्शनरी में ढूंढोगे तो किसी एनिमल के नाम पे तो ना होती है, फॉरेस्ट ट्री के नाम पे जाना जाता है। तो किसी भी वेजिटेशन के नाम पे हम बायोम को करेक्टराइज अगर करते हैं तो वेजिटेशन किस वजह से आता है, एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से। भाई प्लांट को तो लाइट भी चाहिए, टेम्परेचर भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, सॉइल भी चाहिए। तो किसी भी हैबिटेट के अंदर दोनों चीजें होती हैं, बायोटिक और एबायोटिक, दोनों कंपोनेंट्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होंगे और नॉन लिविंग चीजें भी होंगी जिनकी वजह से वो हैबिटेट बनती है। इन्हीं हैबिटेट में जो ऑर्गेनिज्म है, आपने इवोल्यूशन में पढ़ा होगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो सराउंडिंग्स होती है उन्हीं में वो रहता है, उसी के हिसाब से उसका नेचुरल सिलेक्शन होगा। नेचुरल सिलेक्शन के हिसाब से अगर अडॉप्टेशन की जरूरत पड़ी तो वो अपने आप को चेंज करेगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा। डार्विन ने यही तो कहा कि अगर बदलती हुई कंडीशंस हैं, अगर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो ऑर्गेनिज्म अपने आप को या तो अडॉप्ट करेगा विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एनवायरनमेंट, या वैनिश, खत्म हो जाएगा। और मीजोजोइक एरा के बाद जब सीनोजोइक एरा आया, आपने अगर पढ़ रखा है इवोल्यूशन तो मैं उसी सेंस में बोल रहा हूँ, तो जितने भी बिग एनिमल्स थे, जाइंट रेप्टाइल जैसे डायनासोर सब जानते ही, तो डायनासोर अपने आप को बदल नहीं पाए इसीलिए खत्म हो गए। उसी टाइम पे जिम्नोस्पर्म भी थे प्लांट्स में, जिम्नोस्पर्म अपने आप को अडॉप्ट करते गए, आज भी अर्थ पे सर्वाइव करते हैं। जिम्नोस्पर्म भी मीजोजोइक एरा में बने थे, और जो डायनासोर और टीरेक्स और इस टाइप के जितने भी जाइंट रेप्टाइल्स थे वो भी मीजोजोइक एरा के, बट एनिमल वहीं खत्म हो गए, प्लांट तब के बने हुए आज तक सर्वाइव कर रहे हैं। तो क्यों सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, कि वो बदलते एनवायरनमेंट के साथ अपने आप के अंदर चेंजेस लाते गए, नेचर उन चेंजेस को एक्सेप्ट करता गया, ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होता गया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के हिसाब से वो फिट होते गए और आज भी सर्वाइव कर ही रहे। इस तरीके से ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने एरिया के अंदर सर्वाइव करता है और रहता है। ठीक है, तो ये एक पूरा जर्नलाइज पैराग्राफ दे रखा है कि भाई किस तरीके से अर्थ पे चीजें मैनेज होती हैं या इकोलॉजी कैसे एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ पे दो वर्ड दिए हैं, दोनों ही नीट में आ चुके हैं। एक कहलाता है इकोलॉजिकल निच, हालांकि ये नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगा, बट एनसीईआरटी ने यहाँ भी दे रखा है
निच क्या होता है, NICHE, व्हाट इज इकोलॉजिकल निच। निच क्या कहलाता है? निच का मतलब अगर हम सिंपल वे में कहें तो निच का मतलब होता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब फिक्स्ड, चेंज नहीं हो सकती। स्पेसिफिक पोजीशन एंड फंक्शन इन एन इकोसिस्टम। हर एक ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक पोजीशन है और एक स्पेसिफिक फंक्शन है उसके इकोसिस्टम में, और वो क्या बन जाता है, वो उसकी निच कहलाता है ना। निच क्या कहलाएगा? दिस इज पोजिशनल, यानी पोजिशन, एंड फंक्शनल यानी फंक्शन, रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। इसीलिए इकोसिस्टम में भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये इकोसिस्टम की प्रॉपर्टी है। किसी भी इकोसिस्टम में हर एक ऑर्गेनिज्म का एक पोजीशन और एक फंक्शनल रोल है। वो क्या काम करता है, फंक्शन क्या है उसका, और वो कहाँ पे बैठता है या कहाँ पे रहता है, वो उसकी पोजीशन हो गई। सो दैट स्पेसिफिक पोजीशन एंड फंक्शनल रोल इज कॉल्ड इकोलॉजिकल निच, है ना। तो ये एक टर्म है, और ये ऑलरेडी नीट का क्वेश्चन है कि इकोलॉजिकल निच क्या होता है। और ये स्पेसिफिक होगा, जैसे मैंने बताया, इनवेरिएबल, मतलब चेंज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर ऑफलाइन क्लासेस होती और एक क्लासरूम होता, आप अपने स्कूल में भी है, मान लीजिए स्कूल में आपकी क्लास में कोई मॉनिटर है, तो उस मॉनिटर की एक जगह है फिक्स कि वो क्लासरूम में यही बैठेगा। मॉनिटर का फंक्शन तो स्पेसिफिक है, क्योंकि क्लास में एक ही मॉनिटर होता है, या सीआर होता है आजकल, तो एक ही सीआर है मान लीजिए, तो वो तो उसका फंक्शन हो गया। सीआर का काम सीआर ही करेगा और कोई तो करेगा नहीं, मॉनिटर का काम केवल मॉनिटर करेगा और कोई नहीं करेगा। और अगर वो मॉनिटर नहीं आया, किसी दिन एबसेंट हो गया, तो वो जगह खाली छूटेगी, उस सीट पर कोई और नहीं बैठेगा। सो दैट इज द स्पेसिफिक पोजिशन और फंक्शन, मॉनिटर का ही स्पेसिफिक फंक्शनल रोल। तो वो मॉनिटर की या सीआर की निच बन जाएगी इन द क्लासरूम। ऐसे ही हर एक ऑर्गेनिज्म का रोल होता है। अब मान लीजिए आप ये कहेंगे फॉरेस्ट में एक ट्री है, सिंगल ट्री, तो उसकी एक पोजीशन है ना कि वो एक प्रोड्यूसर है, उसका काम है फोटोसिंथेसिस करना, उसका काम है और कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करके ऑक्सीजन रिलीज करना, वो कुछ ना कुछ ऑक्सीजन को कॉन्ट्रीब्यूट करने में अपना रोल दे रहा है। अगर वो ऑर्गेनिज्म वहां से काट हट जाए, या फॉरेस्ट को उस ट्री को अगर वहां से काट दें, तो थोड़ी सी ऑक्सीजन जो वो कंट्रीब्यूट करता होगा डेली बेसिस पे, वो कम हो जाएगी। तो यानी कि उसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, वो उसकी पोजीशन फिक्स है। सो दैट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल निच। इसी से दूसरा टर्म आता है, निच थ्योरी। अब निच थ्योरी क्या है? निच थ्योरी ये कहती है, इकोलॉजिकल निच को हम एनिमल्स के हिसाब से नहीं देख सकते। हाँ, एनिमल से भी ले सकते हैं भाई, एनिमल है तो उसका काम होगा, लाइक वो हर्बीवोर है, तो उसका काम है कि ग्रासेस की पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखना, क्योंकि अगर हर्बीवोर हटा दोगे तो ग्रास को खाएगा कौन। या कार्निवोर को फूड देना, अगर मान लीजिए हर्बीवोर ऐसे एनिमल नहीं होंगे तो कार्निवोर ग्रास तो खा नहीं सकते ना, तो कार्निवोर कैसे सर्वाइव करेंगे। तो हर एक ऑर्गेनिज्म का एक कार्निवोर को हटा भी दिया तो फिर बाकी तो खाएंगे ना हर्बीवोर को। लेकिन मैथमेटिकली उसका काम तो रुक गया ना। अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो कुछ तो एनर्जी का फ्लो कम हुआ ना, क्योंकि आपने एक ऑर्गेनिज्म को बीच से तोड़ दिया। एक समुद्र में से एक गिलास पानी निकाल भी लेंगे तो फर्क क्या पड़ेगा? नहीं, मैथमेटिकली हमेशा पड़ेगा, है ना, इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेटिंग। सर, एक गिलास का तो निकल जाएगा ना। मैथमेटिकली तो आप फिजिक्स में डीटी लगा के निकाल लेते हो, डिफरेंशियल वैल्यू में भी फर्क कर लेते हो, ये तो बहुत बड़ी फिगर हो गई। यस सर, मैथमेटिक्स के, क्योंकि ये सारी चीजें कैलकुलेटिव है। जब आप इकोसिस्टम पढ़ोगे ना, तो उसमें आपको समझाया जाएगा कि इकोसिस्टम एनर्जी फ्लो को फॉलो करता है, और एनर्जी का मतलब है थर्मोडायनेमिक्स। तो इकोसिस्टम पे पूरी थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई होती है। हायर क्लासेस में प्रॉपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, डेल्टा जी डेल्टा यू, जैसे आप कैलकुलेट करते हो फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स में, वैसे ही हम इकोसिस्टम पे भी करते हैं। मैथमेटिकल मॉडलिंग होती है इकोसिस्टम की पूरी, ईच एंड एवरीथिंग इज कैलकुलेटिव। कितनी एनर्जी फ्लो हो रही है, कितना मास फ्लो हो रहा है, सब कुछ कैलकुलेटिव होता है। सो दैट्स व्हाई ये इसलिए दिया गया कि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक रोल होता है। जैसे होता है ना कि कई बार मैं रास्ते में जा रहा हूँ तो कुछ मन में आया, मैंने
किसी भी पौधे को तोड़ दिया, उखाड़ दिया, डंडी हाथ में आई मैंने मार दी, चार पांच पत्तियां टूट गई। अब अगर उसको मैथमेटिकली देखो तो उन 4 to 5 लीफ जितनी ऑक्सीजन को कंट्रीब्यूट करती इन टर्म्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसका तो नुकसान किया ना मैंने, वो कुछ ना कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके अल्टीमेटली ऑक्सीजन देती ना, क्योंकि वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो ऑक्सीजन देती। तो इसीलिए तो कहते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म की एक इंट्रेंसिक वैल्यू होती है, हमारे लिए ना हो कि घास की क्या कीमत है, लेकिन ग्रासलैंड में घास की कीमत है क्योंकि वो घास का पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को लेके ऑक्सीजन दे रहा है, और ये बहुत बड़ी चीज है, ये कोई और नहीं कर सकता। सो हर एक ऑर्गेनिज्म की एक इंट्रेंसिक वैल्यू होती है, और ये हमारी अपनी मॉरल लेगेसी होनी चाहिए कि हम इस वैल्यू को आने वाली जनरेशन को समझाएं कि इकोसिस्टम क्यों जरूरी है, या प्लांट और एनिमल्स दोनों ही चीजें क्यों जरूरी है। अगर मान लीजिए आपने नमक का पानी किसी मिट्टी में मिला दिया तो बैक्टीरिया मर जाएंगे, अब बैक्टीरिया मर जाएंगे तो डिकम्पोजिशन कौन करेगा, हम तो करेंगे नहीं, और डिकम्पोजिशन नहीं होगा तो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आएंगे, न्यूट्रिएंट्स नहीं आएंगे तो फिर प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कैसे करेगा, प्लांट न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो प्लांट ग्रो कैसे करेगा। फोटोसिंथेसिस में भी तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना, मिनरल न्यूट्रिशन भी आपने पढ़ा है। तो हर एक चीज साइक्लिक मैनर में है, आप किसी भी पॉइंट पे अगर उस साइकिल को डिस्टर्ब कर दोगे तो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो ही जाएगा। निच थ्योरी ये कहती है कि दो ऑर्गेनिज्म एक निच को शेयर नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि क्लास में एक ही मॉनिटर है जिसकी एक पोजीशन और एक फंक्शन स्पेसिफिक है, तो कोई एक क्लास में दो मॉनिटर तो हो नहीं सकते, क्योंकि एक चेयर पे दो लोग कैसे बैठेंगे, है ना, दो लोग एक ही काम को कैसे परफॉर्म करेंगे जब काम स्पेसिफिक है। तो निच थ्योरी का ये कहता है कि नो टू ऑर्गेनिज्म शेयर ए कॉमन इकोलॉजिकल निच। दो ऑर्गेनिज्म एक कॉमन इकोलॉजिकल निच को शेयर नहीं कर सकते, है ना, दोनों की निच अलग अलग होगी, दो ऑर्गेनिज्म है तो दोनों अलग अलग निच ऑक्यूपाई करेंगे, आप निच कॉमन नहीं बना सकते, है ना, तो ये निच थ्योरी कहलाती है। हालांकि फिर वही जैसे था कि डार्विन के हिसाब से, क्योंकि इवोल्यूशन होना है, अब या तो ये होगा कि यहाँ पे मान लीजिए दो मॉनिटर हो, और मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों मॉनिटर क्लास में एक चेयर को शेयर नहीं कर सकते, तो फिर क्या होगा, एट लास्ट कॉम्पिटिशन, दोनों लोग लड़ो और दोनों में जो जीत जाएगा वो मॉनिटर बचा रह जाएगा, दूसरा वाला एलिमिनेट हो जाएगा। या अगर लड़ना नहीं चाहते तो कुछ भी करके आपस में देख लो भाई कैसे मैनेज करना है। ऐसे भी बन सकते हो कि भाई आधा काम आप कर लो आधा मैं कर लेता हूँ, सुबह तुम मॉनिटर बन जाओ शाम को मैं बन जाता हूँ, है ना, ये सब चीजें तो होती है, इसी को कहते हैं ना शेयरिंग। शेयरिंग कैसे करनी है आपको, इकोलॉजी के हिसाब से तो शेयरिंग हो नहीं सकती, लेकिन अगर आपको इवॉल्व होना है, अगर आपको अपने आप को सक्सेसफुल दिखाना है तो सोल्यूशन भी तो आपको ही देखना पड़ेगा ना प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम तो हो गई कि दो लोग एक निच पे नहीं आ सकते, लेकिन अब एक निच पे दो लोग अगर आने हैं क्योंकि वो डिमांड है, बदलते हुए एनवायरमेंट के साथ सर्वाइव करना है, तो भाई मजबूरी में तो आदमी हर काम करता है, तो ये काम भी किया जाएगा, तो निच को शेयर भी किया जाएगा, है ना, वो हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कि निच को शेयर कैसे कर सकते हैं। अगर आप शेयर कर लेंगे तो दोनों ही इवॉल्व हो जाएंगे और दोनों ही सक्सेसफुली बदलते एनवायरमेंट के साथ रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। तो निच थ्योरी कहती तो यही है कि शेयरिंग नहीं हो सकती, बट इन टर्म्स ऑफ इवोल्यूशन शेयरिंग का ऑप्शन भी ऑर्गेनिज्म को ही ढूंढना होता है। मोस्ट ऑफ द केस में शेयरिंग नहीं होती, बट देयर आर फ्यू केसेस जहां पे शेयरिंग की जा सकती है। इसको ऐसे समझ सकते हो कि लाइक एक किताब है और दो लोग पढ़ने वाले हैं, अब क्या करोगे, या तो आधी आधी किताब कर लो, या फिर दोनों लोग आपस में लड़ लो, जो जो जीतेगा वो किताब पढ़ लेगा, है ना, या फिर ये हो सकता है कि सबको पता है कि किताब 24 घंटे तो पढ़ी नहीं जाएगी, दिन में तुम पढ़ लो रात में तुम पढ़ लो, बिना किताब को फाड़े बिना लड़े भी तो काम चल सकता है ना, क्योंकि 24 आवर्स कोई उस बुक को नहीं पढ़ा, पहले तुम पढ़ लो। अब ये आपको देखना है कि पहले कौन पढ़ेगा बाद में कौन पढ़ेगा, ये ऑर्गेनिज्म को डिसाइड करना होता है कि वो शेयरिंग करेगा तो शेयरिंग करने में क्या टेक्निक्स लगाएगा, किस तरीके से वो इवॉल्व होगा, किस तरीके से अडॉप्ट करेगा अपने आप को, बट ये ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है।
तो ये सब बातें हो गई हमारी ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के बारे में, जो हमारी हेडिंग थी ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट है। अब इसके बाद हम सीधे सीधे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एबायोटिक फैक्टर्स, मेजर एबायोटिक फैक्टर्स। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनिज्म की लाइफ को गवर्न करते हैं? जैसे हमने कहा कि इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक दोनों चीजें होती हैं, तो अब हमें देखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। आपकी बुक में क्योंकि मेजर दिए हैं तो हम पहले मेजर पढ़ लेते हैं, फिर हम बाद में देख लेंगे कोई और भी अगर है। मेजर एबायोटिक फैक्टर्स, और इसमें जो सबसे पहले फैक्टर आएगा, फर्स्ट नीट का ही क्वेश्चन है, दैट इज टेम्परेचर। नीट में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रेलिवेंट इकोलॉजिकल फैक्टर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा रेलिवेंट इकोलॉजिकल फैक्टर कौन सा है? क्योंकि एनसीईआरटी में चार फैक्टर दिए तो वही चारों ऑप्शन दे दिए गए। आंसर इज टेम्परेचर, है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। तो सबसे पहले आप देखोगे तो ये मोस्ट, सर वाटर के लिए होगा सबसे इंपॉर्टेंट, बिकॉज वाटर तो हमारी बॉडी बना लेती है, जब हम रेस्पायर करते हैं तब भी तो वाटर बचता है ना। तो बिना पानी पिए हमें फिजिकली लगता है कि हम पानी पिएंगे तो पानी हमारी बॉडी में पहुंचेगा, लेकिन आप मत पीजिए पूरे दिन पानी, तब भी आपकी बॉडी में तो यूरिन तो बनती है ना। आप एक दिन करके देख लीजिए, फास्टिंग करके देखिए, कुछ मत खाइए कुछ मत पीजिए, फिर भी यूरिनेशन होगा, तो पानी कहाँ से आ रहा है बॉडी में? तो इसका मतलब है वाटर हमारी बॉडी में रिएक्शन से भी तो बनता है, मेटाबॉलिक वाटर। सब बिना लाइट के तो फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, किसके सब बिना लाइट के? तो ठीक है, प्लांट फोटोसिंथेसिस के अलावा भी तो बहुत सारे प्लांट हैं जो अपना काम कर लेते हैं, और फोटोसिंथेसिस के लिए भी तो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, फैक्टर तो पढ़ा है ना मैंने आपको। यस सर। हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए एंजाइम्स सबसे इंपॉर्टेंट। आप बहुत सिंपल तरीके से याद रखो तो लिविंग वर्ल्ड में आपने पढ़ा कि प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग में मेटाबॉलिज्म एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और आपने लिखा कि मेटाबॉलिज्म जो होती है दे ऑल आर एंजाइमेटिक रिएक्शंस, और फिर आपने बायो मॉलिक्यूल्स में पढ़ा होगा एंजाइम्स आर टेम्परेचर सेंसिटिव, हर एक एंजाइम एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर और पीएच पे काम करता है। तो अगर टेम्परेचर ही नहीं होगा तो एंजाइम काम नहीं करेंगे, एंजाइम काम नहीं करेगा तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, मेटाबॉलिज्म नहीं होगी तो सर्वाइवल कैसे होगा? लिविंग की तो प्रॉपर्टी है ना मेटाबॉलिज्म। इसीलिए आपके बुक में सबसे पहले लिखा है कि क्यों ऐसा है कि टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उसके रीजन भी दिए हैं, बिकॉज ये डायरेक्टली एंजाइम की काइनेटिक्स को गवर्न करता है। आपकी बुक में एक ग्राफ दिया था एक्टिवेशन एनर्जी का, बायो मॉलिक्यूल्स में दिया है, जहाँ पे वी मैक्स या वी मैक्स बाई टू के एम वैल्यू आप निकालते हो, माइकलीज मेंशन कांस्टेंट है, ये सब एंजाइम्स में दिया है, तो एंजाइम की काइनेटिक्स को डायरेक्टली गवर्न करता है ना। बेसिक मेटाबॉलिक रेट आपने जूलॉजी में पढ़ा होगा, बीएमआर, तो हमारा जो बीएमआर होता है वो हमारा बेसिक जो मेटाबॉलिक रेट है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर की वजह से ही तो है, और इसके अलावा जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं, चाहे वो डाइजेशन हो, एक्सक्रीशन हो, सर्कुलेशन हो, या प्लांट में फोटोसिंथेसिस था, ट्रांसपिरेशन था, रेस्पिरेशन था, वाटर एब्जॉर्प्शन था, मिनरल एब्जॉर्प्शन था, सब जगह टेम्परेचर चाहिए, बिना टेम्परेचर के तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ नहीं हो सकता। सो दैट्स व्हाई ये मोस्ट रेलिवेंट है ना। मोस्ट रेलिवेंट क्यों लिखा हमने? क्योंकि ये इट डायरेक्टली अफेक्ट एंजाइम काइनेटिक्स, एंजाइम की काइनेटिक्स में चाहिए, बेसिक मेटाबॉलिक रेट बीएमआर में चाहिए, और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए चाहिए। आपके बुक में सेंटेंस है कि टेम्परेचर क्या काम करता है, टेम्परेचर डायरेक्टली अफेक्ट या गवर्न करता है एंजाइम की काइनेटिक्स को, बेसिक मेटाबॉलिक रेट को, और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को, इसलिए टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। अब कुछ चीजें जर्नलाइज है, अगर ना भी बुक में दी होती तो आप समझ लेते, जैसे हमने अर्थ भी बनाया था तो अर्थ में मान लीजिए ये डायग्राम था रफली, कि अर्थ में अगर हम इक्वेटर से पोल पे जाएं, है ना, ये इक्वेटर हो गया, ये पोल हो गया, तो अगर आप इक्वेटर से पोल पे जाओगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा। आप यहीं से देख लो,
आर्कटिक एरिया ठंडे होते हैं ना, फिर यहाँ पे जो आएगा वो नॉर्थ पोल आएगा तो बिल्कुल ही चिल्ड है वो। तो जब आप ट्रॉपिकल से आर्कटिक पे या इक्वेटर से पोल पे जाओगे तो क्या होगा, टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो एक लाइन आपको बुक में मिलेगी कि टेम्परेचर क्या करता है, प्रोग्रेसिवली डिक्रीज करता है एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर प्रोग्रेसिवली डिक्रीज करता है। और ऐसे अगर आप माउंटेन पे देखोगे तो भी सबको पता है कि माउंटेन के बेस से माउंटेन के टॉप पे अगर आप जाओगे तो अगेन टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। जैसे इस पे ये अर्थ है, तो ये तो हो गए हमारे लैटिट्यूड, ये कहलाते हैं लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। जब आप इक्वेटर से पोल पे जाते हैं तो ये क्या कहलाता है, लैटिट्यूड कहलाता है। और अगर मान लीजिए इस अर्थ पे कोई माउंटेन होता है, ट्रॉपिकल बेल्ट में कोई माउंटेन है, माउंटेन के बेस से माउंटेन के टॉप पे जाओगे तो वो एल्टीट्यूड कहलाता है, ऊंचाई, लिखा होता है हाइट फ्रॉम सी लेवल। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे तो माउंटेन के बेस से माउंटेन के टॉप पे जाओगे तो भी डिक्रीज करेगा, और इक्वेटर से पोल पे जाओगे तो भी डिक्रीज करेगा। तो टेम्परेचर दोनों ही केस में डिक्रीज करता है ना, इट प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे डिक्रीजेस। कहां से कहां, अगर आप जाएंगे इक्वेटर से पोल, इक्वेटर टू पोल और माउंटेन बेस, सर प्लेन से माउंटेन टॉप्स तक भी तो कह सकते हैं। हाँ से टॉप, माउंटेन के बेस से माउंटेन के टॉप और इक्वेटर से पोल की तरफ अगर हम जाएंगे तो टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा, या क्वेश्चन में उल्टा पूछ लिया जाए तो इंक्रीज कर जाएगा। मान लीजिए पोल से इक्वेटर पे आओगे तो बढ़ जाएगा, माउंटेन के टॉप से माउंटेन के बेस की तरफ आओगे तो बढ़ जाएगा। वो तो एक सेंटेंस दिया होता है, उसको आप तोड़ मरोड़ के जैसे चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लीजिए। तो ये चीज हो गई। अब टेम्परेचर भी जैसे था कि भाई हार्श कंडीशन अर्थ पे है, तो ऐसा भी नहीं है कि टेम्परेचर हर जगह सुटेबल रहेगा। जैसे हमने प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ा था कि मोस्ट ऑफ द केस में जो टेम्परेचर है वो 20 to 35 है ना, फोटोसिंथेसिस का भी टेम्परेचर का रेंज यही था, और ट्रांसपिरेशन में भी टेम्परेचर का रेंज यही था, वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए भी ऑप्टिमम टेम्परेचर इसी रेंज में आता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, टेम्परेचर की अगर आप रेंज देखोगे अर्थ पे तो रेंज के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, यानी बिलो जीरो भी है ना। आपको पता ही है पोल्स पे है ना, माउंटेन पे, इन पे टेम्परेचर 0 से कम होता है ना। पोल हो गए या माउंटेन हो गए, इन पे टेम्परेचर 0 से कम है, बिलो जीरो है। फिर अगर आप देखोगे कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा भी मिल जाएगा, मोर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपको ट्रॉपिकल डेजर्ट में मिल जाएगा, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, और वो भी समर में, गर्मियों में है ना, इन समर है ना, ये मिल जाएगा। इवन मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड भी टेम्परेचर है, ये कहाँ मिल जाएगा, ये थर्मल स्प्रिंग्स जहां से खौलता हुआ पानी निकलता है, थर्मल स्प्रिंग्स में मिल जाएगा, या समुद्र में नीचे बहुत दरारें होती हैं जहां से बॉइलिंग वाटर रिलीज होता है, उन्हें बोलते हैं डीप सी हाइड्रोथर्मल। हाइड्रोथर्मल का मतलब है पानी में जो टेम्परेचर वाले रेंज है, हाइड्रो, सर वॉल्केनोज भी तो होते हैं। वो भी ले सकते हैं, हाइड्रोथर्मल वेंट कहलाते हैं। तो टेम्परेचर की रेंज भी अलग अलग है, 0 से नीचे भी है पोल्स पे या माउंटेन के टॉप पे, 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर भी है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर भी हो सकता है, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से टेम्परेचर आता है। अब एनिमल्स में टेम्परेचर की टॉलरेंस के हिसाब से दो चीजें दी हुई है ना, थर्मल टॉलरेंस कहलाती है। थर्मल टॉलरेंस का मतलब ये हुआ कि कोई भी, ये सिर्फ एनिमल्स के लिए, प्लांट के लिए नहीं, कि एनिमल्स टेम्परेचर की रेंज को, ये पूरी रेंज है, टॉलरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं ना। सो दिस इज कॉल्ड थर्मल टॉलरेंस, थर्मल टॉलरेंस इन एनिमल्स।
अगर हम थर्मल टॉलरेंस एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो टॉलरेट कर लेते हैं, दे आर कॉल्ड यूरी थर्मल एनिमल्स। जो नहीं कर सकते वो स्टीनो थर्मल कहलाते हैं। जो एनसीआरटी के टर्म है वो यही यूरी थर्मल और स्टीनो थर्मल है ना। यूरी थर्मल का मतलब है दे कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। जैसे हम अगर पोल्स पे भी चले जाएं तो भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 ही आएगा, और हम अगर डेजर्ट में खड़े हो जाएं तब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 ही आएगा। बाहर का टेम्परेचर 50 भी है और बाहर का टेम्परेचर -20 भी है, हमारी बॉडी का कॉन्स्टेंट ही रहेगा। तो हम वाइड रेंज को टॉलरेट कर सकते हैं, सो यूरी थर्मल कहलाते हैं। जो नहीं कर सकते दे कांट कैन नॉट, है ना, पूरा लिख लीजिएगा, दे कांट टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, वो कहलाते हैं स्टीनो थर्मल। है ना, सो थर्मल टॉलरेंस के हिसाब से आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है, यूरी थर्मल और स्टीनो थर्मल। एग्जाम्पल में लोगे तो यूरी थर्मल के एग्जाम्पल में आते हैं बर्ड्स एंड मैमल्स। बर्ड और मैमल्स कैसे हैं, यूरी थर्मल कहलाते हैं। अरे कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड वाला हाँ, ही वो है। भी नाम है। पहले हम एनसीआरटी की चीजें पूरी कर लेते हैं, फिर आगे का देखते हैं। यहाँ पे आर्कटिक फिशेज हो सकती हैं, ये टॉलरेट नहीं कर सकती हैं, है ना, या एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए। अब एनिमल्स के साथ ना यही चीजें हैं, क्योंकि एनिमल किंगडम आपने पढ़ा जरूर है, लेकिन एनिमल किंगडम को उस तरीके से उतनी डिटेल में नहीं पढ़ा जैसे आपने प्लांट किंगडम को पढ़ा। क्योंकि प्लांट किंगडम में हमने एल्गी, बायोटेरिडोजिम, एंजियो, सबकी क्लासेस के बारे में भी पढ़ा, तीन फैमिली भी आपने पढ़ी। एनिमल किंगडम में डिटेल केवल फाइलम के करेक्टर्स हैं और सिर्फ एग्जाम्पल्स दिए हुए। तो इसलिए इकोलॉजी में जहां जहां एनिमल्स के एग्जाम्पल हैं तो वहां सीधी सी बात है भाई, जो लिखा हुआ है बस हमें वही याद रखना है ना इकोलॉजी में एनिमल। क्योंकि अब आप ये मुझसे कहे कि लाइक सर सीलेंट रेट किस में आएंगे, लिखा तो नहीं है, ये तो मैंने पांचों वो लिख दिए जो फाइलम कॉर्डेटा के पार्ट हो गए, फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल। अब आप कहें सर नॉन कॉर्डेट में क्या, तो पता तो है लेकिन नॉन कॉर्डेट में पूछा कभी नहीं जाएगा, क्योंकि एनिमल्स के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन इकोलॉजी के हैं वो बिल्कुल जो एनसीआरटी ने दिया बस वही याद रखना है। उसमें आपको कुछ बाहर से आज तक कभी ना कुछ आया और ना ही कोई आएगा। और तो वैसे बर्ड भी वो मैमल, स्टीनो थर्मल ही होंगे ना, बाकी तो नॉन हाँ कॉर्डेट्स। होंगे तो स्टीनो थर्मली, बट एक्सेप्शंस आर देयर, है ना, एक्सेप्शंस हैं। देयर आर फ्यू नॉन कॉर्डेट्स जो यूरी थर्मल की कैटेगरी में आते हैं, बट उन एक्सेप्शंस पे जाना नहीं है। इन जनरल कभी पूछा जाएगा तो आपको जनरलाइज ही आंसर करना है कि भाई स्टीनो थर्मली, बर्ड और मैमल यूरी थर्मल है, बाकी सारे स्टीनो थर्मल है। ये जनरलाइज लाइन है, 100% नहीं है लेकिन 99.99% ये लाइन सही है। तो उसी तरीके से आपको ये ध्यान में रखनी है। अब इसमें बाकी जो आपने कहा कि और अगर हम नाम लिखें तो जो ये यूरी थर्मल होते हैं इन्हीं को आप बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो ये कोल्ड ब्लडेड हो गए। अगर कभी वार्म ब्लडेड या कोल्ड ब्लडेड करके पूछ लिया जाए तो वो भी चीज याद रख सकते हैं, है ना। या आपने कभी पढ़ा हो होमियो थर्मल और पोकाइलो थर्मल, ये सब टर्म्स अगर आपने सुने हो कभी तो वो भी लिख सकते हैं, दे आर होमियो सर थर्मल। ये सब एनिमल किंगडम। हाँ ये होमियो थर्मल है, ये पोकाइलो थर्म्स कहलाते हैं, POIKILO थर्मल। ये आपने एंडो थर्मल एक्टो थर्मल पढ़े हो तो ये एंडो थर्मल है, इंटरनल टेम्परेचर इनका कांस्टेंट होता है तो एंडो थर्मल है, ये एक्टो थर्मल है। अब ये नाम एनसीईआरटी में यहाँ नहीं दिए लेकिन अगर ऑप्शंस में पूछ लिया जाए तो पता आपको होना चाहिए, सो दैट्स व्हाई मैंने लास्ट में लिखी। थर्मल टॉलरेंस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पे एक रूल दिया हुआ है, हालांकि हम अगली क्लास में उस रूल को दोबारा से भी पढ़ेंगे। एलन्स रूल करके एक लाइन आपको मिलेगी इसी जगह पे,
एलन्स रूल ये कहता है कि जो एनिमल्स कोल्डर रीजन में होते हैं, है ना, एलन ने इस चीज को नोटिस किया, बाकी हमारे लिए तो शायद जनरलाइज है। जैसे आप पोलर बियर को देखो, पोलर बियर आपको पता है कि वो पोल्स पे है, कोल्ड एरिया में है ना, कोल्डर एरिया में। और मैमल भी है, बियर मैमल होते ही। तो जो मैमल्स, केवल मैमल के लिए बात हो रही है, जो मैमल्स कोल्डर एरिया में रहते हैं, उनकी जो बॉडी के एंड पॉइंट होते हैं, एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज का मतलब होता है जैसे टेल, ना बॉडी खत्म होती है, ईयर, लिम्स, आईज, जो नोज होती है बियर की, इसे स्नॉट बोलते हैं। तो ये जो बॉडी एक्सट्रीमिटीज हैं, दे आर शॉर्टर, वो छोटी होती हैं, स्मॉलर होती हैं साइज में, एज कंपेयर टू दोज मैमल जो वार्मर एरिया में होते हैं। अगर आप पोलर बियर को देखोगे तो पोलर बियर के जो नेल्स हैं, जो उसके टेल है, जो उसकी नोज है, जो उसके ईयर हैं, ये सब साइज में कैसे हैं, दे आर शॉर्टर। और अगर आप मान लीजिए कोई नॉर्मल बियर देखोगे पोलर बियर के कंपैरिजन में, तो ये बड़े हो जाएंगे। तो इसको एलन ने नोटिस किया, तो एलन्स रूल का नाम दे दिया। इसका रीजन आप अगली क्लास में पढ़ोगे कि ऐसा क्यों होता है। हालांकि हमें पता है कि कोल्डर एरिया में जो एनिमल्स रहते हैं, उन्हें क्या करना है, उन्हें हीट को रिटेन करना है। भाई वो ठंडे एरिया में रह रहे हैं तो अपनी बॉडी को गर्म रखना चाहेंगे ना, गर्म रखना चाहेंगे तो क्या करेंगे, वो सरफेस एरिया सबसे कम रखेंगे जहां से हीट का लॉस होता हो। तो आप अगर पोलर बियर को देखोगे तो जैसे पाम एंड सोल अगर आप देखोगे बियर के, तो बहुत नाके बराबर आपको बस खाली गोल गोल से दिखाई देते हैं, चार उंगलियां और एक छोटा सा ऐसा पाम का, उतना ही एरिया तो ऐसा है जो हेयर से कवर्ड नहीं है, वहीं से हीट का लॉस हो सकता है। तो ये सारी चीजें छोटी कर दी गई क्योंकि उन्हें हीट को रिटेन करना होता है। और जो मान लीजिए वार्मर एरिया में एनिमल्स रह रहे हैं, वो तो गर्म एरिया में रह रहे हैं, उन्हें हीट का लॉस करना है ताकि बॉडी ठंडी रहे। जब बॉडी ठंडी रहेगी और बाहर गर्मी है, तो एवरेज ठीक ठाक निकल के आ जाएगा। तो उनमें ये चीजें बड़ी दे दी गई। एलिफेंट के ईयर देखो कितने बड़े हैं, है ना, बॉडी एक्सट्रीमिटीज ही तो है, ईयर बहुत बड़े हो गए, है ना, उसकी जो स्नॉट है, जो सूंड है, साइफन, वो देखो कितनी बड़ी सी, उसकी टेल भी बड़ी सी है, क्योंकि वहां से हीट का लॉस आसानी से हो सकता है। और बॉडी पे हेयर भी बहुत कम होते हैं, जबकि पोलर बियर के हेयर भी बहुत सारे हैं और बॉडी की एक्सट्रीमिटीज भी छोटी होती है। तो इसको एलन ने नोटिस किया, और ये केवल मैमल के लिए एप्लीकेबल है, किसी और एनिमल पे अप्लाई नहीं करेंगे। वो मैमल भाई मैं पेंगुइन वाला पूछने वाला था, हाँ समय पेंगुइन वाला पूछने वाला था वैसे, लेकिन सिर्फ पेंगुइन, मैमल के लिए। हाँ ये सिर्फ मैमल के लिए, एलन सूल केवल मैमल के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, बाकी कोई इंसुलेशन नहीं चाहिए होता है क्या? नहीं बाकी को चाहिए, लेकिन वो उस एरिया में जो प्रिवेलिंग कंडीशंस है उसके हिसाब से देखना होता है ना। अब ये एक जनरलाइज रूल है कि अगर आप केवल मैमल को कंपेयर करो, तो मैमल में आप कुछ भी ना, लाइक सील ले लो, सील भी तो एक आर्कटिक एरिया में होता है एनिमल है, मैमल है। अगर आप सील को देखोगे तो उसमें अलग तरीके की अडॉप्टेशंस होंगी, बट सारे अडॉप्टेशंस का समराइज करके यही निकल के आएगा कि अगर कोल्डर एरिया में किसी मैमल को रहना है, तो उसे हीट को रिटेन करना होता है। हीट को रिटेन करने के लिए उसका सरफेस एरिया जहां से हीट का लॉस हो सकता है, वो कम से कम होगा, क्योंकि ऐसा करने पे ही हीट बॉडी में ज्यादा रहेगी और बाहर टेम्परेचर चिलिंग है, तो एवरेज मेंटेन कर पाएंगे। दूसरी तरफ अगर कोई मान लीजिए ट्रॉपिकल बेल्ट में है, गर्म एरिया में रह रहा है, तो उसे हीट को रिलीज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए हमारी बॉडी पे हेयर बहुत ज्यादा होते और हम ट्रॉपिकल बेल्ट में रह रहे हैं, हमें तो और गर्मी लगती, एक तो बाहर गर्मी, यस तो बाल इतने बड़े बड़े हैं, जैसे होता ही है गर्मी में लोग बाल कटा देते हैं कि गर्दन के पीछे पसीना आ रहा है, क्योंकि हीट को इंसुलेट करने का काम हेयर करते हैं। हेयर, अगर हेयर की एक मोटी सी लेयर बनेगी, तो आपकी स्किन जो है वो हीट को रिलीज नहीं कर पाएगी, तो इसलिए बाल कटा दिए जाते हैं कि भाई पसीना ज्यादा आएगा तो कूलिंग इफेक्ट मिल जाएगा, तो हमारी बॉडी उस चीज को कंपनसेट कर पाएगी कि बाहर बहुत गर्मी है तो अंदर थोड़ा ठंडा रहे, है ना, इस तरीके। तो ये चीज उन्होंने नोटिस की, तो उसके हिसाब से वो एलन्स रूल नाम बन गया। क्लियर, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, टेम्परेचर तक मैंने आपको करा दिया है। सर, हाँ बोलो। हाँ सर वो मॉर्फोलॉजी से एक क्वेश्चन पूछना है बोलो, बिल्कुल क्वेश्चन तो आप कहीं से पूछ सकते सर। वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन टैप रूट सिस्टम और एडवांटेजियस रूट्स में एग्जांपल क्या होगा? वेजिटेटिव प्रोपगेशन अगर टैप रूट में लेना है, तो डहेलिया लिख लो आप, डहेलिया हो सकता है, एस्पैरेगस हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। सर लेकिन डहलिया तो एडवांटेजियस रूट्स में आता है शायद। नहीं, डहेलिया टैप रूट में, डहेलिया तो डाइकॉट है, उसमें तो एडवांटेजियस होती नहीं। यस सर। और मोनोकॉट में देना हो, सॉरी एडवांटेजियस में देना हो, तो स्वीट पोटैटो दे दो। यस सर।
डहेलिया और स्वीट पोटैटो क्लस्टर का एग्जांपल है, टैप रूट और एडवांटेजियस वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट। सर इसके नोट आज भेज देना, नोट्स मैं भेज दूंगा, डेफिनेटली भेज दूंगा। ओके एक्सक्यूज मी सर। ओके सर एक्चुअली इनहेरिटेंस से क्वेश्चन पूछना था सर। हाँ बोलो सर। एक्चुअली जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग टाइप है वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में भी आता है और मल्टीपल एलील्स में भी आता है, तो अगर ऑप्शन में ये दोनों ही ऑप्शन दिए तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे? नहीं, ये किस कैरेक्टरिस्टिक में है? पॉलीजेनिक किसने बताया? ऐसा तो लिखा था कि वो क्योंकि बहुत सारे जीन्स गवर्न करते हैं ब्लड ग्रुप को। नहीं नहीं, एक ही जीन गवर्न करता है। ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस जो एबीओ ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस है वो मोनोजेनिक है, वो मल्टीपल एलील्स में आएगा, पॉलीजेनिक में नहीं आएगा। है ही नहीं पॉलीजेनिक में। तो गूगल में तो ऐसा लिखा था कि वो पॉलीजेनिक में भी आता है क्योंकि अलग-अलग जीन्स करते हैं। किस पे देखा आपने? गूगल में लिखा था कि वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का है एग्जांपल। आप गूगल से बायोलॉजी नहीं पढ़ोगे, बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे, सब गलत कर दोगे। नहीं तो गूगल से बायोलॉजी नहीं पढ़नी, क्योंकि गूगल से बायोलॉजी में जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसमें चार ब्लड ग्रुप है, फिर उसके बाद आरएच फैक्टर का क्लासिफिकेशन है, फिर उसके बाद एचएलए जीन्स का क्लासिफिकेशन है। एचएलए ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जीन होते हैं जो हमारी आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। जब एचएलए पे आप पहुंचते हो तब ये बात आती है कि वहां पे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का इन्फ्लुएंस है। ब्लड ग्रुप के लिए नहीं है, ब्लड ग्रुप में केवल आपके लेवल पे ए बी ए बी और ओ यही है, और इसमें केवल एक आंसर है मल्टीपल एलील्स और कोई नहीं, या फिर ए बी ब्लड ग्रुप के लिए कोडोमिनेंस है। पॉलीजेनिक नहीं आएगा आपके लेवल पे तो बिल्कुल नहीं है, कहीं दिया है तो गलत दिया है, ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगी। पॉलीजेनिक में ह्यूमन स्किन कलर जो आपकी बुक में दिया है, या फिर ह्यूमन इंटेलिजेंट हो सकता है, ह्यूमन हाइट हो सकती है, ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के एग्जांपल। थैंक यू सर। ये सब जीरो लेवल मतलब बिलो जीरो ही होगा ना? हाँ सब जीरो मतलब बिलो जीरो, जीरो से नीचे। ओके सर ठीक है, गुड नाइट सर। ओके गुड नाइट।